फिल्मी रिव्यू की एक और नई वीडियो पर आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डीप इम्पैक्ट मूवी के बारे में यह मूवी साल 1998 में रिलीज़ हुई थी आज भी काफ़ी ज़्यादा लोग डीप इम्पैक्ट मूवी को देखना पसंद करते हैं सो अगर आप भी डीप इम्पैक्ट मूवी को देखना पसंद करते हो तो आज की इस वीडियो को एक बार लाइक तो ज़रूर से कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना सो आज के इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि डीप इम्पैक्ट मूवी आप कहाँ पर देख सकते हो साथ ही मैं आपको बताने वाले हैं इस मूवी की टीम के बारे में कि कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है कौन से डायरेक्टर ने इस मूवी को डायरेक्ट किया है कौन से एक्टर आपको डीप इम्पैक्ट मूवी में देखने को मिल जाते हैं कितने बजट में इस मूवी को बनाया गया था एंड कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने किया था सो फुल डिटेल में आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना अगर आप भी डीप इम्पैक्ट मूवी को देखना पसंद करते हो साथ ही में बात करेंगे कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर निभाया है इस मूवी में एंड आपको डीप इम्पैक्ट मूवी देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए क्या कुछ खास आपको इस मूवी में देखने को मिल जाता है फुल डिटेल में रिव्यू आपको मिल जाएगा सबसे पहले इस मूवी के डायरेक्टर की बात की जाए तो डीप इम्पैक्ट मूवी को डायरेक्ट किया है मिमी लैडर ने मेमी लैडर जो कि जाने पहचाने अमेरिकन एंड टेलीविजन फिल्म डायरेक्टर हैं एंड राइटर की बात की जाए तो डीप इम्पैक्ट मूवी को लिखा है ब्रूस जोल रूबिन ने माइकल टॉलकिन ने एंड प्रोड्यूस किया है इस मूवी को डेविड ब्राउन ने रिचार्ड डी जैनुक ने एंड एक्ट्रेस की बात की जाए तो डीप इम्पैक्ट मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल में रॉबर्ट डूबल देखने को मिल जाते हैं उसके आगे टी लियोनी देखने को मिल जाते हैं एलिजा वुड देखने को मिल जाते हैं रॉडर ग्रेव देखने को मिल जाते हैं मैक्सी मिलियन देखने को मिल जाते हैं मॉर्गन फ्रीमैन भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाते हैं सनमाइटोग्राफी की बात की जाए तो डीप इंपैक्ट मूवी में सनमाइटोग्राफी की है डाइट्रीच लोहमन ने एंड एडिट किया है इस मूवी को पॉल चिको चिकोकी ने डेविड रोशन ब्लूम ने एंड म्यूजिक किया है इस मूवी का जेम्स हॉर्नर ने प्रोडक्शन कंपनीज हैं डीप इम्पैक्ट मूवी के पैरामाउंट पिक्चर्स ड्रीम वर्कस पिक्चर्स द मनहाटन प्रोजेक्ट जैनक ब्राउन प्रोडक्शंस और डिस्ट्रीब्यूट किया है डीप इम्पैक्ट मूवी को पैरामाउंट पिक्चर्स ने ड्रीम वर्कस पिक्चर्स ने और इस मूवी का रिलीजिंग डेट एट मई नाइनटीन था और रनिंग टाइम था इस मूवी का वन ट्वेंटी वन मिनट्स और बजट की बात की जाए एंड बॉक्स ऑफ कलेक्शन की बात की जाए तो डीप इम्पैक्ट मूवी का बजट एटी मिलियन डॉलर का रहा था एंड इस मूवी का बॉक्स ऑफ कलेक्शन थ्री हंड्रेड फोर्टी नाइन पॉइंट फाइव मिलियन डॉलर का रहा था उसके आगे बात की जाए एक्ट्रेस की कि कौन से एक्टर ने किसका कैरेक्टर निभाया है इस मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल में रॉबर्ट ड्यूवल ने कैप्टन स्पूरजियोन का कैरेक्टर निभाया है टिया लियोनी ने जैनी लर्नर का कैरेक्टर निभाया है एलिजा वुड ने लियो बैडरमैन का कैरेक्टर निभाया है वेनेसा रेडग्रेव ने रॉबिन लर्नर का कैरेक्टर निभाया है मैक्सिमिलियन मिलियन सचैल ने जैसोन लर्नर का कैरेक्टर निभाया है रया किल ने चलॉय लर्नर का कैरेक्टर निभाया है मॉर्गन फ्रीमैन ने टॉम बैक का कैरेक्टर निभाया है इस मूवी में उसके आगे जॉनर की बात की जाए तो डीम एफ मूवी एक साइंस फिक्शन एंड डाइजास्टर मूवी है, है। काफ़ी पसंद आपको इस मूवी की स्टोरी आने वाली है क्योंकि काफ़ी डिफरेंट स्टोरी है एंड मिमी लैडर ने काफ़ी अच्छे तरीके से इस मूवी को डायरेक्ट भी किया है पूरे ही एक्ट्रेस का आपको कमाल का काम इस मूवी में देखने को मिल जाएगा कमाल की एक्टिंग आप इस मूवी में देख सकते हो साथ ही के साथ कमाल की सैमैटोग्राफी के साथ कमाल की एडिटिंग भी आपको डीप इम्पैक्ट मूवी में देखने को मिल जाएगी पूरी ही टीम ने बहुत ही बढ़िया तरीके से इस मूवी को बनाया है सो आप भी जरूर से इस मूवी को देख सकते हो एंड इसके बॉक्स ऑफ कलेक्शन से ही आपको पता चल गया होगा कि कितना बड़ा हिट मूवी था साल 1998 में काफ़ी ज़्यादा अर्निंग इस मूवी ने किया था एंड काफ़ी बड़ी मूवीज़ में इसका नाम आता था आई की बात कर लेते हैं तो आई पर भी डीप इम्पैक्ट मूवी को काफ़ी अच्छा रेटिंग एंड रिव्यूज़ मिला हुआ है सिक्स आउट ऑफ टेन की रेटिंग इस मूवी को आई पर मिली है एंड इस मूवी को वन लैक टू थाउजेंड लोगों ने वोट्स भी किया हुआ है जो कि मोस्टली आपको पॉजिटिव रिव्यूज़ ही देखने को मिल जाएंगे सो जरूर से आप भी डीप इम्पैक्ट मूवी को देख सकते हो बात कर लेते हैं कि कहाँ पर आपको यह मूवी देखने को मिलेगी इस मूवी को अगर आप देखना पसंद करते हो तो यह मूवी आप नेटफ्लिक्स सिक्योरिटी प्लेटफॉर्म पर देख सकते हो साथ ही के साथ एमेज़ॉन प्राइम वीडियो पर भी आपको डीप इम्पैक्ट मूवी देखने को मिल जाती है सो तो जरूर से आप देख सकते हो एच वी ओ मैक्स पर भी देख सकते हो आज का मूवी रिव्यू अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना तो फिल्मी रिव्यू की एक और नई वीडियो पर आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डीप इम्पैक्ट मूवी के बारे में यह मूवी साल 1998 में रिलीज़ हुई थी आज भी काफ़ी ज़्यादा लोग डीप इम्पैक्ट मूवी को देखना पसंद करते हैं सो अगर आप भी डीप इम्पैक्ट मूवी को देखना पसंद करते हो तो आज की इस वीडियो को एक बार लाइक तो ज़रूर से कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना सो आज के इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि डीप इम्पैक्ट मूवी आप कहां पर देख सकते हो साथ ही मैं आपको बताने वाले हैं इस मूवी की टीम के बारे में कि कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है कौन से डायरेक्टर ने इस मूवी को डायरेक्ट किया है कौन से एक्टर आपको डीप इम्पैक्ट मूवी में देखने को मिल जाते हैं कितने बजट में इस मूवी को बनाया गया था एंड कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने किया था सो फुल डिटेल में आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना अगर आप भी डीप इम्पैक्ट मूवी को देखना पसंद करते हो साथ ही में बात करेंगे कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर निभाया है इस मूवी में एंड आपको डीप इम्पैक्ट मूवी देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए क्या कुछ खास आपको इस मूवी में देखने को मिल जाता है फुल डिटेल में रिव्यू आपको मिल जाएगा सबसे पहले इस मूवी के डायरेक्टर की बात की जाए तो डीप इम्पैक्ट मूवी को डायरेक्ट किया है मिमी लैडर ने मेमी लेडर जो कि जाने पहचाने अमेरिकन एंड टेलीविज़न फिल्म डायरेक्टर हैं एंड राइटर की बात की जाए तो डीप इम्पैक्ट मूवी को लिखा है ब्रूस जोल रूबिन ने माइकल टॉलकिन ने एंड प्रोड्यूस किया है इस मूवी को डेविड ब्राउन ने रिचार्ड डी जैनुक ने एंड एक्ट्रेस की बात की जाए तो डीप इम्पैक्ट मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल में रॉबर्ट डूबल देखने को मिल जाते हैं उसके आगे टी लियोनी देखने को मिल जाते हैं एलिजा वुड देखने को मिल जाते हैं बनेसा ग्रेव देखने को मिल जाते हैं मैक्सी मिलियन देखने को मिल जाते हैं मॉर्गन फ्रीमैन भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाते हैं सनमाइटोग्राफी की बात की जाए तो डीप इम्पैक्ट मूवी में सनमैटोग्राफी की है डाइट्रीच लोहमन ने एंड एडिट किया इस मूवी को पॉल चिको चिकोकी ने डेविड रोशन ब्लूम ने एंड म्यूजिक किया है इस मूवी का जेम्स हॉर्नर ने प्रोडक्शन कंपनी हैं डीप इम्पैक्ट मूवी के पैरामाउंट पिक्चर्स ड्रीम वर्कस पिक्चर्स द मन प्रोजेक्ट जेनक ब्रॉन प्रोडक्शंस और डिस्ट्रीब्यूट किया है डीप एम्पैक्ट मूवी को पैरामाउंट पिक्चर्स ने ड्रीम वर्कस पिक्चर्स ने और इस मूवी का रिलीजिंग डेट एट मई नाइनटीन नाइन्टी एट था और रनिंग टाइम था इस मूवी का वन ट्वेंटी वन मिनट्स और बजट की बात की जाए एंड बॉक्स ऑफ कलेक्शन की बात की जाए तो डीप एम्पैक्ट मूवी का बजट एटी मिलियन डॉलर का रहा था एंड इस मूवी का बॉक्स ऑफ कलेक्शन थ्री हंड्रेड 49.5 मिलियन डॉलर का रहा था उसके आगे बात की जाए एक्ट्रेस की कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर निभाया है इस मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल में रॉबर्ट ड्यूवल ने कैप्टन जियोन का करैक्टर निभाया है टिया लियोनी ने जैनी लर्नर का करैक्टर निभाया है एलिजा वुड ने लियो बैडरमैन का करैक्टर निभाया है बेनेसा रेडग्रेव ने रॉबिन लर्नर का कैरेक्टर निभाया है मैक्सिमिलियन मिलियन सचैल ने जैसोन लर्नर का कैरेक्टर निभाया है रया किलस्टेडन ने चलॉय लर्नर का कैरेक्टर निभाया है मॉर्गन फ्रीमैन ने टॉम बैक का कैरेक्टर निभाया है इस मूवी में उसके आगे जॉनर की बात की जाए तो डीम पे पैक्ट मूवी एक साइंस ऑफ फिक्शन एंड डाइजेस्टर मूवी है, है। काफ़ी पसंद आपको इस मूवी की स्टोरी आने वाली है क्योंकि काफ़ी डिफरेंट स्टोरी है एंड मिमी लैडर ने काफ़ी अच्छे तरीके से इस मूवी को डायरेक्ट भी किया है पूरे ही एक्ट्रेस का आपको कमाल का काम इस मूवी में देखने को मिल जाएगा कमाल की एक्टिंग आप इस मूवी में देख सकते हो साथ ही के साथ कमाल की सनेमाइटोग्राफ़ी के साथ कमाल की एडिटिंग भी आपको डीप इम्पैक्ट मूवी में देखने को मिल जाएगी पूरी ही टीम ने बहुत ही बढ़िया तरीके से इस मूवी को बनाया है सो आप भी ज़रूर से इस मूवी को देख सकते हो एंड इसके बॉक्स ऑफ कलेक्शन से ही आपको पता चल गया होगा कि कितना बड़ा हिट मूवी था साल 1998 में काफ़ी ज़्यादा अर्निंग इस मूवी ने किया था एंड काफ़ी बड़ी मूवीज़ में इसका नाम आता था आईएमडीवी की बात कर लेते हैं तो आईएमडीवी पर भी डीप इम्पैक्ट मूवी को काफ़ी अच्छा रेटिंग एंड रिव्यूज़ मिला हुआ है सिक्स आउट ऑफ टेन की रेटिंग इस मूवी को आई पर मिली है एंड इस मूवी को वन लैक एटी टू थाउजेंड लोगों ने वोट्स भी किया हुआ है जो कि मोस्टली आपको पॉजिटिव रिव्यूज़ ही देखने को मिल जाएंगे सो जरूर से आप भी डीप इम्पैक्ट मूवी को देख सकते हो बात कर लेते हैं कि कहाँ पर आपको यह मूवी देखने को मिलेगी इस मूवी को अगर आप देखना पसंद करते हो तो यह मूवी आप नेटफ्लिक्स सिक्योरिटी प्लेटफॉर्म पर देख सकते हो साथ ही के साथ अमेजोन प्राइम वीडियो पर भी आपको डीप इम्पैक्ट मूवी देखने को मिल जाती है सो तो जरूर से आप देख सकते हो एच वी ओ मैक्स पर भी देख सकते हो आज का मूवी रिव्यू अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर देना तो फिल्मी रिव्यू की एक और नई वीडियो पर आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डीप इम्पैक्ट मूवी के बारे में यह मूवी साल 1998 में रिलीज़ हुई थी आज भी काफ़ी ज़्यादा लोग डीप इम्पैक्ट मूवी को देखना पसंद करते हैं सो so अगर आप भी डीप इम्पैक्ट मूवी को देखना पसंद करते हो तो आज की इस वीडियो को एक बार लाइक तो ज़रूर से कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना सो so आज की इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि डीप इम्पैक्ट मूवी आप कहाँ पर देख सकते हो साथ ही मैं आपको बताने वाले हैं इस मूवी की टीम के बारे में कि कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है कौन से डायरेक्टर ने इस मूवी को डायरेक्ट किया है कौन से एक्टर आपको डीप इम्पैक्ट मूवी में देखने को मिल जाते हैं कितने बजट में इस मूवी को बनाया गया था एंड कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने किया था सो फुल डिटेल में आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना अगर आप भी डीप इम्पैक्ट मूवी को देखना पसंद करते हो साथ ही में बात करेंगे कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर निभाया है इस मूवी में एंड आपको डीप इम्पैक्ट मूवी देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए क्या कुछ ख़ास आपको इस मूवी में देखने को मिल जाता है फुल डिटेल में रिव्यू आपको मिल जाएगा सबसे पहले इस मूवी के डायरेक्टर की बात की जाए तो डीप इम्पैक्ट मूवी को डायरेक्ट किया है मिमी लैडर ने मेमी लैडर जो कि जाने पहचाने अमेरिकन एंड टेलीविज़न फिल्म डायरेक्टर हैं एंड राइटर की बात की जाए तो डीप इम्पैक्ट मूवी को लिखा है ब्रूस जोल रूबिन ने माइकल टॉलकिन ने एंड प्रोड्यूस किया है इस मूवी को डेविड ब्राउन ने रिचार्ड डी जैनुक ने एंड एक्ट्रेस की बात की जाए तो डीप इम्पैक्ट मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल में रॉबर्ट डूबल देखने को मिल जाते हैं उसके आगे टी लियोनी देखने को मिल जाते हैं एलिजा वुड देखने को मिल जाते हैं रॉडर ग्रेव देखने को मिल जाते हैं मैक्सिमिलियन सजल सज्जल देखने को मिल जाते हैं मॉर्गन फ्रीमैन भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाते हैं सनमाइटोग्राफी की बात की जाए तो डीप इम्पैक्ट मूवी में सनमैटोग्राफी की है डाइट्रीच लोहमन ने एंड एडिट किया है इस मूवी को पॉल चिको चिकोकी ने डेविड रोशन ब्लूम ने एंड म्यूजिक किया है इस मूवी का जेम्स हॉर्नर ने प्रोडक्शन कंपनीज एंड डीप इम्पैक्ट मूवी के पैरामाउंट पिक्चर्स ड्रीम वर्कस पिक्चर्स द मनहाटन प्रोजेक्ट जेनक ब्रॉन प्रोडक्शंस और डिस्ट्रीब्यूट किया है डीप इम्पैक्ट मूवी को पैरामाउंट पिक्चर्स ने ड्रीम वर्कस पिक्चर्स ने और इस मूवी का रिलीजिंग डेट एट मई नाइनटीन नाइन्टी एट था, था और रनिंग टाइम था इस मूवी का वन ट्वेंटी वन मिनट्स और बजट की बात की जाए एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात की जाए तो डीप इम्पैक्ट मूवी का बजट एटी मिलियन डॉलर का रहा था एंड इस मूवी का बॉक्स ऑफ कलेक्शन थ्री हंड्रेड फोर्टी नाइन पॉइंट फाइव मिलियन डॉलर का रहा था उसके आगे बात की जाए एक्ट्रेस की कि कौन से एक्टर ने किसका कैरेक्टर निभाया है इस मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल में रॉबर्ट ड्यूबल ने कैप्टन स्पुरजियोन का कैरेक्टर निभाया है टिया लियोनी ने जैनी लर्नर का कैरेक्टर निभाया है एलिजा वुड ने लियो बैडरमैन का कैरेक्टर निभाया है बैनेसा रेडग्रेव ने रॉबिन लर्नर का कैरेक्टर निभाया है मैक्सी सचल ने जैसवन लर्नर का कैरेक्टर निभाया है रया किहल ने चलॉय लर्नर का कैरेक्टर निभाया है मॉर्गन फ्रीमैन ने टॉम बैक का कैरेक्टर निभाया है इस मूवी में उसके आगे जॉनर की बात की जाए तो डीम पे पैक्ट मूवी एक साइंस फिक्शन डाइजेस्टर मूवी है, है। काफ़ी पसंद आपको इस मूवी की स्टोरी आने वाली है क्योंकि काफ़ी डिफरेंट स्टोरी है एंड मिमी लैडर ने काफ़ी अच्छे तरीके से इस मूवी को डायरेक्ट भी किया है पूरे ही एक्ट्रेस का आपको कमाल का काम इस मूवी में देखने को मिल जाएगा कमाल की एक्टिंग आप इस मूवी में देख सकते हो साथ ही के साथ कमाल की सैनमेटोग्राफी के साथ कमाल की एडिटिंग भी आपको डीप इम्पैक्ट मूवी में देखने को मिल जाएगी पूरी ही टीम ने बहुत ही बढ़िया तरीके से इस मूवी को बनाया है सो आप भी जरूर से इस मूवी को देख सकते हो एंड इसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन से ही आपको पता चल गया होगा कि कितना बड़ा हिट मूवी था साल 1998 में काफ़ी ज़्यादा अर्निंग इस मूवी ने किया था एंड काफ़ी बड़ी मूवीज़ में इसका नाम आता था आईएमडीवी की बात कर लेते हैं तो आईएमडीवी पर भी डीप इम्पैक्ट मूवी को काफ़ी अच्छा रेटिंग एंड रिव्यूज़ मिला हुआ है सिक्स आउट ऑफ टेन की रेटिंग इस मूवी को आई पर मिली है एंड इस मूवी को वन लैक एटी टू थाउजेंड लोगों ने वोट्स भी किया हुआ है जो कि मोस्टली आपको पॉजिटिव रिव्यूज़ ही देखने को मिल जाएंगे सो जरूर से आप भी डीप इम्पैक्ट मूवी को देख सकते हो बात कर लेते हैं कि कहाँ पर आपको यह मूवी देखने को मिलेगी इस मूवी को अगर आप देखना पसंद करते हो तो यह मूवी आप नेटफ्लिक्स सिक्योरिटी प्लेटफॉर्म पर देख सकते हो साथ ही के साथ अमेजोन प्राइम वीडियो पर भी आपको डीप इम्पैक्ट मूवी देखने को मिल जाती है सो तो जरूर से आप देख सकते हो एच वी ओ मैक्स पर भी देख सकते हो आज का मूवी रिव्यू अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर देना तो फिल्मी रिव्यू की एक और नई वीडियो पर आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डीप इम्पैक्ट मूवी के बारे में यह मूवी साल 1998 में रिलीज़ हुई थी आज भी काफ़ी ज़्यादा लोग डीप इम्पैक्ट मूवी को देखना पसंद करते हैं सो so अगर आप भी डीप इम्पैक्ट मूवी को देखना पसंद करते हो तो आज की इस वीडियो को एक बार लाइक तो ज़रूर से कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना सो so आज की इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि डीप इम्पैक्ट मूवी आप कहाँ पर देख सकते हो साथ ही मैं आपको बताने वाले हैं इस मूवी की टीम के बारे में कि कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है कौन से डायरेक्टर ने इस मूवी को डायरेक्ट किया है कौन से एक्टर आपको डीप इम्पैक्ट मूवी में देखने को मिल जाते हैं कितने बजट में इस मूवी को बनाया गया था एंड कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने किया था सो फुल डिटेल में आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना अगर आप भी डीप इम्पैक्ट मूवी को देखना पसंद करते हो साथ ही में बात करेंगे कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर निभाया है इस मूवी में एंड आपको डीप इम्पैक्ट मूवी देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए क्या कुछ ख़ास आपको इस मूवी में देखने को मिल जाता है फुल डिटेल में रिव्यू आपको मिल जाएगा सबसे पहले इस मूवी के डायरेक्टर की बात की जाए तो डीप इम्पैक्ट मूवी को डायरेक्ट किया है मेमी लैडर ने मेमी लैडर जो कि जाने पहचाने अमेरिकन एंड टेलीविज़न फिल्म डायरेक्टर हैं एंड राइटर की बात की जाए तो डीप इम्पैक्ट मूवी को लिखा है ब्रूस जोल रूबिन ने माइकल टॉलकिन ने एंड प्रोड्यूस किया है इस मूवी को डेविड ब्राउन ने रिचार्ड डी जैनुक ने एंड एक्ट्रेस की बात की जाए तो डीप इम्पैक्ट मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल में रॉबर्ट डूबल देखने को मिल जाते हैं उसके आगे टी लियोनी देखने को मिल जाते हैं एलिजा वुड देखने को मिल जाते हैं बानेसा, रॉडर ग्रेव देखने को मिल जाते हैं मैक्सिमिलियन मिलियन सज्जल देखने को मिल जाते हैं मॉर्गन फ्रीमैन भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाते हैं सनमाइटोग्राफी की बात की जाए तो डीप इम्पैक्ट मूवी में सनमैटोग्राफी की है डाइट्रीच लोहमन जिको, ने एंड एडिट किया है इस मूवी को पॉल चिको चिकोकी ने डेविड रोशन ब्लूम ने एंड म्यूजिक किया है इस मूवी का जेम्स हॉर्नर ने प्रोडक्शन कंपनीज हैं डीप इम्पैक्ट मूवी के पैरामाउंट पिक्चर्स, ड्रीम वर्कस पिक्चर्स, द मनहाटन प्रोजेक्ट, प्रोजैक्ट जैनोक ब्रॉन प्रोडक्शंस और डिस्ट्रीब्यूट किया है डीप इम्पैक्ट मूवी को पैरामाउंट पिक्चर्स ने ड्रीम वर्कस पिक्चर्स ने और इस मूवी का रिलीजिंग डेट एटथ मई नाइनटीन नाइन्टी एट था, था और रनिंग टाइम था इस मूवी का वन ट्वेंटी वन मिनट्स और बजट की बात की जाए एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात की जाए तो डीप इम्पैक्ट मूवी का बजट एटी मिलियन डॉलर का रहा था एंड इस मूवी का बॉक्स ऑफ कलेक्शन थ्री हंड्रेड फोर्टी नाइन पॉइंट फाइव मिलियन डॉलर का रहा था उसके आगे बात की जाए एक्ट्रेस की कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर निभाया है इस मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल में रॉबर्ट ड्यूबल ने कैप्टन स्पोरजियोन का करैक्टर निभाया है टिया लियोनी ने जैनी लर्नर का करैक्टर निभाया है एलिजा वुड ने लियो बैडरमैन का करैक्टर निभाया है बैनेसा रेडग्रेव ने रॉबिन लर्नर का करैक्टर निभाया है मैक्सी सचल ने जैसोन लर्नर का कैरेक्टर निभाया है रया किहल ने चुलॉय लर्नर का कैरेक्टर निभाया है मॉर्गन फ्रीमैन ने टॉम बैक का कैरेक्टर निभाया है इस मूवी में उसके आगे जॉनर की बात की जाए तो डीप पे पैक्ट मूवी एक साइंस फिक्शन डाइजास्टर मूवी है, है। काफ़ी पसंद आपको इस मूवी की स्टोरी आने वाली है क्योंकि काफ़ी डिफरेंट स्टोरी है एंड मिमी लैडर ने काफ़ी अच्छे तरीके से इस मूवी को डायरेक्ट भी किया है पूरे ही एक्ट्रेस का आपको कमाल का काम इस मूवी में देखने को मिल जाएगा कमाल की एक्टिंग आप इस मूवी में देख सकते हो साथ ही के साथ कमाल की सैनमेटोग्राफी के साथ कमाल की एडिटिंग भी आपको डीप इम्पैक्ट मूवी में देखने को मिल जाएगी पूरी ही टीम ने बहुत ही बढ़िया तरीके से इस मूवी को बनाया है सो आप भी ज़रूर से इस मूवी को देख सकते हो एंड इसके बॉक्स ऑफ कलेक्शन से ही आपको पता चल गया होगा कि कितना बड़ा हिट मूवी था साल 1998 में काफ़ी ज़्यादा अर्निंग इस मूवी ने किया था एंड काफ़ी बड़ी मूवीज़ में इसका नाम आता था आई की बात कर लेते हैं तो आई पर भी डीप इम्पैक्ट मूवी को काफ़ी अच्छा रेटिंग एंड रिव्यूज़ मिला हुआ है सिक्स आउट ऑफ टेन की रेटिंग इस मूवी को आई पर मिली है एंड इस मूवी को वन लैक एटी टू थाउजेंड लोगों ने वोट्स भी किया हुआ है जो कि मोस्टली आपको पॉजिटिव रिव्यूज़ ही देखने को मिल जाएंगे सो जरूर से आप भी डीप इम्पैक्ट मूवी को देख सकते हो बात कर लेते हैं कि कहाँ पर आपको यह मूवी देखने को मिलेगी इस मूवी को अगर आप देखना पसंद करते हो तो यह मूवी आप नेटफ्लिक्स किोरिटी प्लेटफॉर्म पर देख सकते हो साथ ही के साथ Amazon प्राइम वीडियो पर भी आपको डीप इम्पैक्ट मूवी देखने को मिल जाती है सो तो जरूर से आप देख सकते हो एच वी ओ मैक्स पर भी देख सकते हो आज का मूवी रिव्यू अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना तो फिल्मी रिव्यू की एक और नई वीडियो पर आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे डीप इम्पैक्ट मूवी के बारे में यह मूवी साल 1998 में रिलीज़ हुई थी आज भी काफ़ी ज़्यादा लोग डीप इम्पैक्ट मूवी को देखना पसंद करते हैं सो अगर आप भी डीप इम्पैक्ट मूवी को देखना पसंद करते हो तो आज की इस वीडियो को एक बार लाइक तो ज़रूर से कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना सो आज के इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि डीप इम्पैक्ट मूवी आप कहाँ पर देख सकते हो साथ ही मैं आपको बताने वाले हैं इस मूवी की टीम के बारे में कि कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है कौन से डायरेक्टर ने इस मूवी को डायरेक्ट किया है कौन से एक्टर आपको डीप इम्पैक्ट मूवी में देखने को मिल जाते हैं कितने बजट में इस मूवी को बनाया गया था एंड कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने किया था सो फुल डिटेल में आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना अगर आप भी डीप इम्पैक्ट मूवी को देखना पसंद करते हो साथ ही में बात करेंगे कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर निभाया है इस मूवी में एंड आपको डीप इम्पैक्ट मूवी देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए क्या कुछ ख़ास आपको इस मूवी में देखने को मिल जाता है फुल डिटेल में रिव्यू आपको मिल जाएगा सबसे पहले इस मूवी के डायरेक्टर की बात की जाए तो डीप इम्पैक्ट मूवी को डायरेक्ट किया है मेमी लैडर ने मेमी लैडर जो कि जाने पहचाने अमेरिकन एंड टेलीविज़न फिल्म डायरेक्टर हैं एंड राइटर की बात की जाए तो डीप इम्पैक्ट मूवी को लिखा है ब्रूस जोल रूबिन ने माइकल टॉलकिन ने एंड प्रोड्यूस किया है इस मूवी को डेविड ब्राउन ने रिचार्ड डी जैनुक ने एंड एक्ट्रेस की बात की जाए तो डीप इम्पैक्ट मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल में रॉबॉर्ट डूबल देखने को मिल जाते हैं उसके आगे लियोनी देखने को मिल जाते हैं एलिजा वुड देखने को मिल जाते हैं रॉडर ग्रेव देखने को मिल जाते हैं मैक्सी मिलियन सज्जल देखने को मिल जाते हैं मॉर्गन फ्रीमैन भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाते हैं सनमाइटोग्राफी की बात की जाए तो डीप इम्पैक्ट मूवी में सनमैटोग्राफी की है डायट्री लोहमन ने एंड एडिट किया है इस मूवी को पॉल चिको चिकोकी ने डेविड रोशन ब्लूम ने एंड म्यूजिक किया है इस मूवी का जेम्स हॉर्नर ने प्रोडक्शन कंपनी से डीप इम्पैक्ट मूवी के पैरामाउंट पिक्चर्स ड्रीम वर्कस पिक्चर्स द मनहाटन प्रोजेक्ट जैनक ब्राउन प्रोडक्शंस और डिस्ट्रीब्यूट किया है डीप इम्पैक्ट मूवी को पैरामाउंट पिक्चर्स ने ड्रीम वर्कस पिक्चर्स ने और इस मूवी का रिलीजिंग डेट एटथ मई नाइनटीन नाइन्टी एट था, था और रनिंग टाइम था इस मूवी का वन ट्वेंटी वन मिनट्स और बजट की बात की जाए एंड बॉक्स ऑफ कलेक्शन की बात की जाए तो डीप इम्पैक्ट मूवी का बजट एट्टी मिलियन डॉलर का रहा था एंड इस मूवी का बॉक्स ऑफ कलेक्शन थ्री हंड्रेड फोर्टी नाइन पॉइंट फाइव मिलियन डॉलर का रहा था उसके आगे बात की जाए एक्ट्रेस की कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर निभाया है इस मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल में रॉबर्ट ड्यूवल ने कैप्टन स्पूर जियोन का कैरेक्टर निभाया है टिया लियोनी ने जैनी लर्नर का कैरेक्टर निभाया है एलिजा वुड ने लियो बैडरमैन का कैरेक्टर निभाया है बैनेसा रेडग्रेव ने रॉबिन लर्नर का करैक्टर निभाया है मैक्सिमिलियन मिलियन सचैल ने जैसोन लर्नर का करैक्टर निभाया है रया किहिलस्टेडन ने चुलॉय लर्नर का करैक्टर निभाया है मॉर्गन फ्रीमैन ने टॉम बैक का करैक्टर निभाया है इस मूवी में उसके आगे जॉनर की बात की जाए तो डीम पे पैक्ट मूवी एक साइंस फिक्शन डाइज़ेस्टर मूवी है, है। काफ़ी पसंद आपको इस मूवी की स्टोरी आने वाली है क्योंकि काफ़ी डिफरेंट स्टोरी है एंड मिमी लैडर ने काफ़ी अच्छे तरीके से इस मूवी को डायरेक्ट भी किया है पूरे ही एक्ट्रेस का आपको कमाल का काम इस मूवी में देखने को मिल जाएगा कमाल की एक्टिंग आप इस मूवी में देख सकते हो शादी के साथ कमाल की सनमाइटोग्राफ़ी के साथ कमाल की एडिटिंग भी आपको डीप इम्पैक्ट मूवी में देखने को मिल जाएगी पूरी ही टीम ने बहुत ही बढ़िया तरीके से इस मूवी को बनाया है सो आप भी ज़रूर से इस मूवी को देख सकते हो एंड इसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन से ही आपको पता चल गया होगा कि कितना बड़ा हिट मूवी था साल 1998 में काफ़ी ज़्यादा अर्निंग इस मूवी ने किया था एंड काफ़ी बड़ी मूवीज़ में इसका नाम आता था आईएमडीबी की बात कर लेते हैं तो आईएमडीबी पर भी डीप इम्पैक्ट मूवी को काफ़ी अच्छा रेटिंग एंड रिव्यूज़ मिला हुआ है सिक्स आउट ऑफ टेन की रेटिंग इस मूवी को आई पर मिली है एंड इस मूवी को वन लैक एटी टू थाउजेंड लोगों ने वोट्स भी किया हुआ है जो कि मोस्टली आपको पॉजिटिव रिव्यूज़ ही देखने को मिल जाएंगे सो जरूर से आप भी डीप इम्पैक्ट मूवी को देख सकते हो बात कर लेते हैं कि कहाँ पर आपको यह मूवी देखने को मिलेगी इस मूवी को अगर आप देखना पसंद करते हो तो यह मूवी आप नेटफ्लिक्स क्योरिटी प्लेटफॉर्म पर देख सकते हो साथ ही के साथ एमेज़ॉन प्राइम वीडियो पर भी आपको डीप इम्पैक्ट मूवी देखने को मिल जाती है सो तो जरूर से आप देख सकते हो एच वी ओ मैक्स पर भी देख सकते हो आज का मूवी रिव्यू अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना तो फिल्मी रिव्यू की एक और नई वीडियो पर आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डीप इम्पैक्ट मूवी के बारे में यह मूवी साल नाइनटीन एट में रिलीज़ हुई थी आज भी काफ़ी ज़्यादा लोग डीप इम्पैक्ट मूवी को देखना पसंद करते हैं सो अगर आप भी डीप इम्पैक्ट मूवी को देखना पसंद करते हो तो आज की इस वीडियो को एक बार लाइक तो ज़रूर से कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना सो आज के इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि डीप इम्पैक्ट मूवी आप कहाँ पर देख सकते हो साथ ही मैं आपको बताने वाले हैं इस मूवी की टीम के बारे में कि कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है कौन से डायरेक्टर ने इस मूवी को डायरेक्ट किया है कौन से एक्टर आपको डीप इम्पैक्ट मूवी में देखने को मिल जाते हैं कितने बजट में इस मूवी को बनाया गया था एंड कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने किया था सो फुल डिटेल में आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना अगर आप भी डीप इम्पैक्ट मूवी को देखना पसंद करते हो साथ ही में बात करेंगे कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर निभाया है इस मूवी में एंड आपको डीप इम्पैक्ट मूवी देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए क्या कुछ ख़ास आपको इस मूवी में देखने को मिल जाता है फुल डिटेल में रिव्यू आपको मिल जाएगा सबसे पहले इस मूवी के डायरेक्टर की बात की जाए तो डीप इम्पैक्ट मूवी को डायरेक्ट किया है मेमी लैडर ने मेमी लैडर जो कि जाने पहचाने अमेरिकन एंड टेलीविज़न फिल्म डायरेक्टर हैं एंड राइटर की बात की जाए तो डीप इम्पैक्ट मूवी को लिखा है ब्रूस जोल रूबिन ने माइकल टॉलकिन ने एंड प्रोड्यूस किया है इस मूवी को डेविड ब्राउन ने रिचार्ड डी जैनुक ने एंड एक्ट्रेस की बात की जाए तो डीप इम्पैक्ट मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल में रॉबर्ट डूबल देखने को मिल जाते हैं उसके आगे टी लियोनी देखने को मिल जाते हैं एलिजा वुड देखने को मिल जाते हैं रॉडर रॉडरग्रेव देखने को मिल जाते हैं मैक्सिमिलियन, सजल देखने को मिल जाते हैं मॉर्गन फ्रीमैन भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाते हैं सनमाइटोग्राफी की बात की जाए तो डीप इम्पैक्ट मूवी में सनमैटोग्राफी की है डाइट्रीच लोहमन जिको, ने एंड एडिट किया है इस मूवी को पॉल चिको चिकोकी ने डेविड रोशन ब्लूम ने एंड म्यूजिक किया है इस मूवी का जेम्स हॉर्नर ने प्रोडक्शन कंपनी से डीप इम्पैक्ट मूवी के पैरामाउंट पिक्चर्स ड्रीम वर्कस पिक्चर्स द मनहाटन प्रोजेक्ट जेनक ब्राउन प्रोडक्शंस और डिस्ट्रीब्यूट किया है डीप इम्पैक्ट मूवी को पैरामाउंट पिक्चर्स ने ड्रीम वर्कस पिक्चर्स ने और इस मूवी का रिलीजिंग डेट एट मई नाइनटीन नाइन्टी एट था, था और रनिंग टाइम था इस मूवी का वन ट्वेंटी वन मिनट्स और बजट की बात की जाए एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात की जाए तो डीप इम्पैक्ट मूवी का बजट एट्टी मिलियन डॉलर का रहा था एंड इस मूवी का बॉक्स कलेक्शन थ्री हंड्रेड नाइन पॉइंट फाइव मिलियन डॉलर का रहा था उसके आगे बात की जाए एक्ट्रेस की कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर निभाया है इस मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल में रॉबर्ट ड्यूवल ने कैप्टन जियोन का करैक्टर निभाया है टिया लियोनी ने जैनी लर्नर का करैक्टर निभाया है वुड ने लियो बैडरमैन का करैक्टर निभाया है बैनेसा रेडग्रेव ने रॉबिन लर्नर का कैरेक्टर निभाया है मैक्सिमिलियन मिलियन सचैल ने जैसोन लर्नर का कैरेक्टर निभाया है रया किल ने चलॉय लर्नर का कैरेक्टर निभाया है मॉर्गन फ्रीमैन ने टॉम बैक का कैरेक्टर निभाया है इस मूवी में उसके आगे जॉनर की बात की जाए तो डीम पैक्ट पे मूवी एक साइंस फिक्शन एंड डाइजास्टर मूवी है, है। काफ़ी पसंद आपको इस मूवी की स्टोरी आने वाली है क्योंकि काफ़ी डिफरेंट स्टोरी है एंड मिमी लैडर ने काफ़ी अच्छे तरीके से इस मूवी को डायरेक्ट भी किया है पूरे ही एक्ट्रेस का आपको कमाल का काम इस मूवी में देखने को मिल जाएगा कमाल की एक्टिंग आप इस मूवी में देख सकते हो साथ ही के साथ कमाल की सीमाइटोग्राफी के साथ कमाल की एडिटिंग भी आपको डीप इम्पैक्ट मूवी में देखने को मिल जाएगी पूरी ही टीम ने बहुत ही बढ़िया तरीके से इस मूवी को बनाया है सो आप भी ज़रूर से इस मूवी को देख सकते हो एंड इसके बॉक्स ऑफ कलेक्शन से ही आपको पता चल गया होगा कि कितना बड़ा हिट मूवी था साल 1998 में काफ़ी ज़्यादा अर्निंग इस मूवी ने किया था एंड काफ़ी बड़ी मूवीज़ में इसका नाम आता था आई की बात कर लेते हैं तो आई पर भी डीप इम्पैक्ट मूवी को काफ़ी अच्छा रेटिंग एंड रिव्यूज़ मिला हुआ है सिक्स आउट ऑफ टेन की रेटिंग इस मूवी को आई पर मिली है एंड इस मूवी को वन लैक टू थाउजेंड लोगों ने वोट्स भी किया हुआ है जो कि मोस्टली आपको पॉजिटिव रिव्यूज़ ही देखने को मिल जाएंगे सो जरूर से आप भी डीप इम्पैक्ट मूवी को देख सकते हो बात कर लेते हैं कि कहाँ पर आपको यह मूवी देखने को मिलेगी इस मूवी को अगर आप देखना पसंद करते हो तो यह मूवी आप नेटफ्लिक्स सिक्योरिटी प्लेटफॉर्म पर देख सकते हो साथ ही के साथ अमेजोन प्राइम वीडियो पर भी आपको डीप इम्पैक्ट मूवी देखने को मिल जाती है सो तो जरूर से आप देख सकते हो एच वी ओ मैक्स पर भी देख सकते हो आज का मूवी रिव्यू अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर देना तो फिल्मी रिव्यू की एक और नई वीडियो पर आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे डीप इम्पैक्ट मूवी के बारे में यह मूवी साल 1998 में रिलीज हुई थी आज भी काफ़ी ज़्यादा लोग डीप इम्पैक्ट मूवी को देखना पसंद करते हैं सो so अगर आप भी डीप इम्पैक्ट मूवी को देखना पसंद करते हो तो आज की इस वीडियो को एक बार लाइक तो ज़रूर से कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना सो so आज की इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि डीप इम्पैक्ट मूवी आप कहाँ पर देख सकते हो साथ ही मैं आपको बताने वाले हैं इस मूवी की टीम के बारे में कि कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है कौन से डायरेक्टर ने इस मूवी को डायरेक्ट किया है कौन से एक्टर आपको डीप इम्पैक्ट मूवी में देखने को मिल जाते हैं कितने बजट में इस मूवी को बनाया गया था एंड कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने किया था सो फुल डिटेल में आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना अगर आप भी डीप इम्पैक्ट मूवी को देखना पसंद करते हो साथ ही में बात करेंगे कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर निभाया है इस मूवी में एंड आपको डीप इम्पैक्ट मूवी देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए क्या कुछ खास आपको इस मूवी में देखने को मिल जाता है फुल डिटेल में रिव्यू आपको मिल जाएगा सबसे पहले इस मूवी के डायरेक्टर की बात की जाए तो डीप इम्पैक्ट मूवी को डायरेक्ट किया है मिमी लैडर ने मेमी लेडर जो कि जाने पहचाने अमेरिकन एंड टेलीविज़न फिल्म डायरेक्टर हैं एंड राइटर की बात की जाए तो डीप इम्पैक्ट मूवी को लिखा है ब्रूस जोल रूबिन ने माइकल टॉलकिन ने एंड प्रोड्यूस किया है इस मूवी को डेविड ब्राउन ने रिचार्ड डी जैनुक ने एंड एक्ट्रेस की बात की जाए तो डीप इम्पैक्ट मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल में रॉबॉर्ट डूबल देखने को मिल जाते हैं उसके आगे टी लियोनी देखने को मिल जाते हैं एलिजा वुड देखने को मिल जाते हैं बनेसा ग्रेव देखने को मिल जाते हैं मैक्सी मिलियन सज्जल देखने को मिल जाते हैं मॉर्गन फ्रीमैन भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाते हैं सनमाइटोग्राफी की बात की जाए तो डीप इम्पैक्ट मूवी में सनमैटोग्राफी की है डाइट्रीच लोहमन ने एंड एडिट किया इस मूवी को पॉल चिको चिकोकी ने डेविड रोशन ब्लूम ने एंड म्यूजिक किया है इस मूवी का जेम्स हॉर्नर ने प्रोडक्शन कंपनी से डीप इम्पैक्ट मूवी के पैरामाउंट पिक्चर्स ड्रीम वर्कस पिक्चर्स द मनहाटन प्रोजेक्ट जैनोक ब्रॉन प्रोडक्शंस और डिस्ट्रीब्यूट किया है डीप इम्पैक्ट मूवी को पैरामाउंट पिक्चर्स ने ड्रीम वर्कस पिक्चर्स ने और इस मूवी का रिलीजिंग डेट एट मई नाइनटीन नाइन्टी एट था, था और रनिंग टाइम था इस मूवी का वन ट्वेंटी वन मिनट्स और बजट की बात की जाए एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात की जाए तो डीप इम्पैक्ट मूवी का बजट एटी मिलियन डॉलर का रहा था एंड इस मूवी का बॉक्स ऑफ कलेक्शन थ्री हंड्रेड नाइन पॉइंट फाइव मिलियन डॉलर का रहा था उसके आगे बात की जाए एक्ट्रेस की कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर निभाया है इस मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल में रॉबर्ट ड्यूबल ने कैप्टन स्पोर का कैरेक्टर निभाया है टिया लियोनी ने जैनी लर्नर का कैरेक्टर निभाया है वुड ने लियो बैडरमैन का कैरेक्टर निभाया है बैनेसा रेडग्रेव ने रॉबिन लर्नर का कैरेक्टर निभाया है मैक्सी सचल ने जैसोन लर्नर का कैरेक्टर निभाया है रया किहल ने चलॉय लर्नर का कैरेक्टर निभाया है मॉर्गन फ्रीमैन ने टॉम बैक का कैरेक्टर निभाया है इस मूवी में उसके आगे जॉनर की बात की जाए तो डीप इम्पैक्ट मूवी एक साइंस फिक्शन डाइजास्टर मूवी है काफ़ी पसंद आपको इस मूवी की स्टोरी आने वाली है क्योंकि काफ़ी डिफरेंट स्टोरी है एंड मिमी लैडर ने काफ़ी अच्छे तरीके से इस मूवी को डायरेक्ट भी किया है पूरे ही एक्ट्रेस का आपको कमाल का काम इस मूवी में देखने को मिल जाएगा कमाल की एक्टिंग आप इस मूवी में देख सकते हो साथ ही के साथ कमाल की सैनमेटोग्राफी के साथ कमाल की एडिटिंग भी आपको डीप इंपैक्ट मूवी में देखने को मिल जाएगी पूरी ही टीम ने बहुत ही बढ़िया तरीके से इस मूवी को बनाया है सो आप भी ज़रूर से इस मूवी को देख सकते हो एंड इसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन से ही आपको पता चल गया होगा कि कितना बड़ा हिट मूवी था साल 1998 में काफ़ी ज़्यादा अर्निंग इस मूवी ने किया था एंड काफ़ी बड़ी मूवीज़ में इसका नाम आता था आईएमडीवी की बात कर लेते हैं तो आईएमडीवी पर भी डीप इम्पैक्ट मूवी को काफ़ी अच्छा रेटिंग एंड रिव्यूज़ मिला हुआ है सिक्स आउट ऑफ टेन की रेटिंग इस मूवी को आई पर मिली है एंड इस मूवी को वन लैक एटी टू थाउजेंड लोगों ने वोट्स भी किया हुआ है जो कि मोस्टली आपको पॉजिटिव रिव्यूज़ ही देखने को मिल जाएंगे सो जरूर से आप भी डीप इम्पैक्ट मूवी को देख सकते हो बात कर लेते हैं कि कहाँ पर आपको यह मूवी देखने को मिलेगी इस मूवी को अगर आप देखना पसंद करते हो तो यह मूवी आप नेटफ्लिक्स सिक्योरिटी प्लेटफॉर्म पर देख सकते हो साथ ही के साथ अमेजोन प्राइम वीडियो पर भी आपको डीप इम्पैक्ट मूवी देखने को मिल जाती है सो तो जरूर से आप देख सकते हो एच वी ओ मैक्स पर भी देख सकते हो आज का मूवी रिव्यू अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर देना तो फिल्मी रिव्यू की एक और नई वीडियो पर आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डीप इम्पैक्ट मूवी के बारे में यह मूवी साल 1998 में रिलीज़ हुई थी आज भी काफ़ी ज़्यादा लोग डीप इम्पैक्ट मूवी को देखना पसंद करते हैं सो so अगर आप भी डीप इम्पैक्ट मूवी को देखना पसंद करते हो तो आज की इस वीडियो को एक बार लाइक तो ज़रूर से कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना सो so आज की इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि डीप एम्पैक्ट मूवी आप कहाँ पर देख सकते हो साथ ही मैं आपको बताने वाले हैं इस मूवी की टीम के बारे में कि कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है कौन से डायरेक्टर ने इस मूवी को डायरेक्ट किया है कौन से एक्टर आपको डीप इम्पैक्ट मूवी में देखने को मिल जाते हैं कितने बजट में इस मूवी को बनाया गया था एंड कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने किया था सो फुल डिटेल में आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना अगर आप भी डीप इम्पैक्ट मूवी को देखना पसंद करते हो साथ ही में बात करेंगे कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर निभाया है इस मूवी में एंड आपको डीप इम्पैक्ट मूवी देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए क्या कुछ ख़ास आपको इस मूवी में देखने को मिल जाता है फुल डिटेल में रिव्यू आपको मिल जाएगा सबसे पहले इस मूवी के डायरेक्टर की बात की जाए तो डीप इम्पैक्ट मूवी को डायरेक्ट किया है मेमी लैडर ने मेमी लैडर जो कि जाने पहचाने अमेरिकन एंड टेलीविज़न फिल्म डायरेक्टर हैं एंड राइटर की बात की जाए तो डीप इम्पैक्ट मूवी को लिखा है ब्रूस जोल रूबिन ने माइकल टॉलकिन ने एंड प्रोड्यूस किया है इस मूवी को डेविड ब्राउन ने रिचार्ड डी जैनुक ने एंड एक्ट्रेस की बात की जाए तो डीप इम्पैक्ट मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल में रॉबर्ट डूबल देखने को मिल जाते हैं उसके आगे टी लियोनी देखने को मिल जाते हैं एलिजा वुड देखने को मिल जाते हैं रॉड ग्रेव देखने को मिल जाते हैं मैक्सिमिलियन सजल सज्जल देखने को मिल जाते हैं मॉर्गन फ्रीमैन भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाते हैं सनमाइटोग्राफी की बात की जाए तो डीप इम्पैक्ट मूवी में सनमैटोग्राफी की है डायट्रीच लोहमन जिको, ने एंड एडिट किया है इस मूवी को पॉल चिको चिकोकी ने डेविड रौसन ब्लूम ने एंड म्यूजिक किया है इस मूवी का जेम्स हॉर्नर ने प्रोडक्शन कंपनीज हैं डीप इम्पैक्ट मूवी के पैरामाउंट पिक्चर्स ड्रीम वर्कस पिक्चर्स द मनहाटन प्रोजेक्ट जैनक ब्रॉन प्रोडक्शंस और डिस्ट्रीब्यूट किया है डीप इम्पैक्ट मूवी को पैरामाउंट पिक्चर्स ने ड्रीम वर्कस पिक्चर्स ने और इस मूवी का रिलीजिंग डेट एट मई नाइनटीन नाइन्टी एट था, था और रनिंग टाइम था इस मूवी का वन ट्वेंटी वन मिनट्स और बजट की बात की जाए एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात की जाए तो डीप इम्पैक्ट मूवी का बजट 80 मिलियन डॉलर का रहा था एंड इस मूवी का बॉक्स ऑफ कलेक्शन थ्री हंड्रेड फोर्टी नाइन पॉइंट फाइव मिलियन डॉलर का रहा था उसके आगे बात की जाए एक्ट्रेस की कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर निभाया है इस मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल में रॉबर्ट ड्यूबल ने कैप्टन स्पुरजियोन का करैक्टर निभाया है टिया लियोनी ने जैनी लर्नर का करैक्टर निभाया है एलिजा वुड ने लियो बैडरमैन का करैक्टर निभाया है बैनेसा रेडग्रेव ने रॉबिन लर्नर का करैक्टर निभाया है मैक्सी सचल ने जैसवन लर्नर का कैरेक्टर निभाया है रया किहल ने चलॉय लर्नर का कैरेक्टर निभाया है मॉर्गन फ्रीमैन ने टॉम बैक का कैरेक्टर निभाया है इस मूवी में उसके आगे जॉनर की बात की जाए तो डीम पे पैक्ट मूवी एक साइंस फिक्शन डाइजेस्टर मूवी है, है। काफ़ी पसंद आपको इस मूवी की स्टोरी आने वाली है क्योंकि काफ़ी डिफरेंट स्टोरी है एंड मिमी लैडर ने काफ़ी अच्छे तरीके से इस मूवी को डायरेक्ट भी किया है पूरे ही एक्ट्रेस का आपको कमाल का काम इस मूवी में देखने को मिल जाएगा कमाल की एक्टिंग आप इस मूवी में देख सकते हो ही के साथ कमाल की सैनमेटोग्राफी के साथ कमाल की एडिटिंग भी आपको डीप इम्पैक्ट मूवी में देखने को मिल जाएगी पूरी ही टीम ने बहुत ही बढ़िया तरीके से इस मूवी को बनाया है सो आप भी जरूर से इस मूवी को देख सकते हो एंड इसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन से ही आपको पता चल गया होगा कि कितना बड़ा हिट मूवी था साल 1998 में काफ़ी ज़्यादा अर्निंग इस मूवी ने किया था एंड काफ़ी बड़ी मूवीज़ में इसका नाम आता था आईएमडीवी की बात कर लेते हैं तो आईएमडीवी पर भी डीप इम्पैक्ट मूवी को काफ़ी अच्छा रेटिंग एंड रिव्यूज़ मिला हुआ है सिक्स आउट ऑफ टेन की रेटिंग इस मूवी को आई पर मिली है एंड इस मूवी को वन लैक एटी टू थाउजेंड लोगों ने वोट्स भी किया हुआ है जो कि मोस्टली आपको पॉजिटिव रिव्यूज़ ही देखने को मिल जाएंगे सो जरूर से आप भी डीप इम्पैक्ट मूवी को देख सकते हो बात कर लेते हैं कि कहाँ पर आपको यह मूवी देखने को मिलेगी इस मूवी को अगर आप देखना पसंद करते हो तो यह मूवी आप नेटफ्लिक्स सिक्योरिटी प्लेटफॉर्म पर देख सकते हो साथ ही के साथ Amazon प्राइम वीडियो पर भी आपको डीप इम्पैक्ट मूवी देखने को मिल जाती है सो तो जरूर से आप देख सकते हो एच वी ओ मैक्स पर भी देख सकते हो आज का मूवी रिव्यू अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर देना तो फिल्मी रिव्यू की एक और नई वीडियो पर आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डीप इम्पैक्ट मूवी के बारे में यह मूवी साल नाइनटीन एट में रिलीज़ हुई थी आज भी काफ़ी ज़्यादा लोग डीप इम्पैक्ट मूवी को देखना पसंद करते हैं सो अगर आप भी डीप इम्पैक्ट मूवी को देखना पसंद करते हो तो आज की इस वीडियो को एक बार लाइक तो ज़रूर से कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना सो आज के इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि डीप इम्पैक्ट मूवी आप कहाँ पर देख सकते हो साथ ही मैं आपको बताने वाले हैं इस मूवी की टीम के बारे में कि कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है कौन से डायरेक्टर ने इस मूवी को डायरेक्ट किया है कौन से एक्टर आपको डीप इम्पैक्ट मूवी में देखने को मिल जाते हैं कितने बजट में इस मूवी को बनाया गया था एंड कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने किया था सो फुल डिटेल में आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना अगर आप भी डीप इम्पैक्ट मूवी को देखना पसंद करते हो साथ ही में बात करेंगे कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर निभाया है इस मूवी में एंड आपको डीप इम्पैक्ट मूवी देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए क्या कुछ खास आपको इस मूवी में देखने को मिल जाता है फुल डिटेल में रिव्यू आपको मिल जाएगा सबसे पहले इस मूवी के डायरेक्टर की बात की जाए तो डीप इम्पैक्ट मूवी को डायरेक्ट किया है मेमी लैडर ने मेमी लेडर जो कि जाने पहचाने अमेरिकन एंड टेलीविज़न फिल्म डायरेक्टर हैं एंड राइटर की बात की जाए तो डीप इम्पैक्ट मूवी को लिखा है ब्रूस जोल रूबिन ने माइकल टॉलकिन ने एंड प्रोड्यूस किया है इस मूवी को डेविड ब्राउन ने रिचार्ड डी जैनुक ने एंड एक्ट्रेस की बात की जाए तो डीप इम्पैक्ट मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल में रॉबर्ट डूबल देखने को मिल जाते हैं उसके आगे टी लियोनी देखने को मिल जाते हैं एलिजा वुड देखने को मिल जाते हैं बानेसा रॉडरग्रेव देखने को मिल जाते हैं मैक्सिमिलियन सजल सज्जल देखने को मिल जाते हैं मॉर्गन फ्रीमैन भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाते हैं सनमाइटोग्राफी की बात की जाए तो डीप इम्पैक्ट मूवी में सनमाइटोग्राफी की है डाइट्रीच लोहमन ने एंड एडिट किया है इस मूवी को पॉल चिको चिकोकी ने डेविड रॉसन ब्लूम ने एंड म्यूजिक किया है इस मूवी का जेम्स हॉर्नर ने प्रोडक्शन कंपनी से डीप इम्पैक्ट मूवी के पैरामाउंट पिक्चर्स ड्रीम वर्कस पिक्चर्स द मन प्रोजेक्ट जैनक ब्राउन प्रोडक्शंस और डिस्ट्रीब्यूट किया है डीप इम्पैक्ट मूवी को पैरामाउंट पिक्चर्स ने ड्रीम वर्कस पिक्चर्स ने और इस मूवी का रिलीजिंग डेट एटथ मई नाइनटीन नाइन्टी एट था, था और रनिंग टाइम था इस मूवी का वन ट्वेंटी वन मिनट्स और बजट की बात की जाए एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात की जाए तो डीप इम्पैक्ट मूवी का बजट एटी मिलियन डॉलर का रहा था एंड इस मूवी का बॉक्स ऑफ कलेक्शन थ्री हंड्रेड फोर्टी नाइन पॉइंट फाइव मिलियन डॉलर का रहा था उसके आगे बात की जाए एक्ट्रेस की कि कौन से एक्टर ने किसका कैरेक्टर निभाया है इस मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल में रॉबर्ट ड्यूबल ने कैप्टन स्पुरजियोन का कैरेक्टर निभाया है टिया लियोनी ने जैनी लर्नर का कैरेक्टर निभाया है एलिजा वुड ने लियो बैडरमैन का कैरेक्टर निभाया है बेनेसा रेडग्रेव ने रॉबिन लर्नर का कैरेक्टर निभाया है मैक्सिमिलियन मिलियन सचैल ने जैसोन लर्नर का कैरेक्टर निभाया है रया किल ने चलॉय लर्नर का कैरेक्टर निभाया है मॉर्गन फ्रीमैन ने टॉम बैक का कैरेक्टर निभाया है इस मूवी में उसके आगे जॉनर की बात की जाए तो डीम पे पैक्ट मूवी एक साइंस ऑफ फिक्शन एंड डाइजेस्टर मूवी है, है। काफ़ी पसंद आपको इस मूवी की स्टोरी आने वाली है क्योंकि काफ़ी डिफरेंट स्टोरी है एंड मिमी लैडर ने काफ़ी अच्छे तरीके से इस मूवी को डायरेक्ट भी किया है पूरे ही एक्ट्रेस का आपको कमाल का काम इस मूवी में देखने को मिल जाएगा कमाल की एक्टिंग आप इस मूवी में देख सकते हो साथ ही के साथ कमाल की सैमैटोग्राफ़ी के साथ कमाल की एडिटिंग भी आपको डीप इम्पैक्ट मूवी में देखने को मिल जाएगी पूरी ही टीम ने बहुत ही बढ़िया तरीके से इस मूवी को बनाया है सो आप भी ज़रूर से इस मूवी को देख सकते हो एंड इसके बॉक्स ऑफ कलेक्शन से ही आपको पता चल गया होगा कि कितना बड़ा हिट मूवी था साल 1998 में काफ़ी ज़्यादा अर्निंग इस मूवी ने किया था एंड काफ़ी बड़ी मूवीज़ में इसका नाम आता था आई की बात कर लेते हैं तो आई पर भी डीप इम्पैक्ट मूवी को काफ़ी अच्छा रेटिंग एंड रिव्यूज़ मिला हुआ है सिक्स आउट ऑफ टेन की रेटिंग इस मूवी को आई पर मिली है एंड इस मूवी को वन लैक एटी टू थाउजेंड लोगों ने वोट्स भी किया हुआ है जो कि मोस्टली आपको पॉजिटिव रिव्यूज़ ही देखने को मिल जाएंगे सो जरूर से आप भी डीप इम्पैक्ट मूवी को देख सकते हो बात कर लेते हैं कि कहाँ पर आपको यह मूवी देखने को मिलेगी इस मूवी को अगर आप देखना पसंद करते हो तो यह मूवी आप नेटफ्लिक्स किोरिटी प्लेटफॉर्म पर देख सकते हो साथ ही के साथ Amazon प्राइम वीडियो पर भी आपको डीप इम्पैक्ट मूवी देखने को मिल जाती है सो तो जरूर से आप देख सकते हो एच वी ओ मैक्स पर भी देख सकते हो आज का मूवी रिव्यू अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना तो फिल्मी रिव्यू की एक और नई वीडियो पर आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे डीप इम्पैक्ट मूवी के बारे में यह मूवी साल 1998 में रिलीज़ हुई थी आज भी काफ़ी ज़्यादा लोग डीप इम्पैक्ट मूवी को देखना पसंद करते हैं सो अगर आप भी डीप इम्पैक्ट मूवी को देखना पसंद करते हो तो आज की इस वीडियो को एक बार लाइक तो ज़रूर से कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना सो आज के इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि डीप इम्पैक्ट मूवी आप कहाँ पर देख सकते हो साथ ही मैं आपको बताने वाले हैं इस मूवी की टीम के बारे में कि कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है कौन से डायरेक्टर ने इस मूवी को डायरेक्ट किया है कौन से एक्टर आपको डीप इम्पैक्ट मूवी में देखने को मिल जाते हैं कितने बजट में इस मूवी को बनाया गया था एंड कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने किया था सो फुल डिटेल में आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना अगर आप भी डीप इम्पैक्ट मूवी को देखना पसंद करते हो साथ ही में बात करेंगे कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर निभाया है इस मूवी में एंड आपको डीप इम्पैक्ट मूवी देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए क्या कुछ ख़ास आपको इस मूवी में देखने को मिल जाता है फुल डिटेल में रिव्यू आपको मिल जाएगा सबसे पहले इस मूवी के डायरेक्टर की बात की जाए तो डीप इम्पैक्ट मूवी को डायरेक्ट किया है मेमी लैडर ने मेमी लैडर जो कि जाने पहचाने अमेरिकन एंड टेलीविज़न फिल्म डायरेक्टर हैं एंड राइटर की बात की जाए तो डीप इम्पैक्ट मूवी को लिखा है ब्रूस जोल रूबिन ने माइकल टॉलकिन ने एंड प्रोड्यूस किया है इस मूवी को डेविड ब्राउन ने रिचार्ड डी जैनुक ने एंड एक्ट्रेस की बात की जाए तो डीप इम्पैक्ट मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल में रॉबर्ट डूबल देखने को मिल जाते हैं उसके आगे टी लियोनी देखने को मिल जाते हैं एलिजा वुड देखने को मिल जाते हैं बानिसा ग्रेव देखने को मिल जाते हैं मैक्सी मिलियन देखने को मिल जाते हैं मॉर्गन फ्रीमैन भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाते हैं सनमाइटोग्राफी की बात की जाए तो डीप इंपैक्ट मूवी में सनमाइटोग्राफी की है डाइट्रीच लोहमन जिको, ने एंड एडिट किया है इस मूवी को पॉल चिको चिकोकी ने डेविड रोशन ब्लूम ने एंड म्यूजिक किया है इस मूवी का जेम्स हॉर्नर ने

द मन प्रोजेक्ट जेनक ब्रॉन प्रोडक्शंस और डिस्ट्रीब्यूट किया है डीप इम्पैक्ट मूवी को पैरामाउंट पिक्चर्स ने ड्रीम वर्कर्स पिक्चर्स ने और इस मूवी का रिलीजिंग डेट एट मई नाइनटीन नाइन्टी एट था और रनिंग टाइम था इस मूवी का वन ट्वेंटी वन मिनट्स और बजट की बात की जाए एंड बॉक्स ऑफ कलेक्शन की बात की जाए तो डीप इम्पैक्ट मूवी का बजट एटी मिलियन डॉलर का रहा था एंड इस मूवी का बॉक्स ऑफ कलेक्शन थ्री हंड्रेड फोट 49.5 मिलियन डॉलर का रहा था उसके आगे बात की जाए एक्ट्रेस की कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर निभाया है इस मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल में रॉबर्ट ड्यूवल ने कैप्टन स्पुरजियोन का करैक्टर निभाया है टिया लियोनी ने जैनी लर्नर का करैक्टर निभाया है एलिजा वुड ने लियो बैडरमैन का करैक्टर निभाया है बैनेसा रेडग्रेव ने रॉबिन लर्नर का करैक्टर निभाया है मैक्सिमिलियन मिलियन सचैल ने जैसोन लर्नर का करैक्टर निभाया है रया किहिलस्टेडन ने चुलॉय लर्नर का करैक्टर निभाया है मॉर्गन फ्रीमैन ने टॉम बैक का कैरेक्टर निभाया है इस मूवी में उसके आगे जॉनर की बात की जाए तो डीम पे पैक्ट मूवी एक साइंस फिक्शन डाइज़ेस्टर मूवी है, है। काफ़ी पसंद आपको इस मूवी की स्टोरी आने वाली है क्योंकि काफ़ी डिफरेंट स्टोरी है एंड मिमी लैडर ने काफ़ी अच्छे तरीके से इस मूवी को डायरेक्ट भी किया है पूरे ही एक्ट्रेस का आपको कमाल का काम इस मूवी में देखने को मिल जाएगा कमाल की एक्टिंग आप इस मूवी में देख सकते हो शादी के साथ कमाल की सनमाइटोग्राफ़ी के साथ कमाल की एडिटिंग भी आपको डीप इम्पैक्ट मूवी में देखने को मिल जाएगी पूरी ही टीम ने बहुत ही बढ़िया तरीके से इस मूवी को बनाया है सो आप भी ज़रूर से इस मूवी को देख सकते हो एंड इसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन से ही आपको पता चल गया होगा कि कितना बड़ा हिट मूवी था साल 1998 में काफ़ी ज़्यादा अर्निंग इस मूवी ने किया था एंड काफ़ी बड़ी मूवीज़ में इसका नाम आता था आईएमडीबी की बात कर लेते हैं तो आईएमडीबी पर भी डीप इम्पैक्ट मूवी को काफ़ी अच्छा रेटिंग एंड रिव्यूज़ मिला हुआ है सिक्स आउट ऑफ टेन की रेटिंग इस मूवी को आई पर मिली है एंड इस मूवी को वन लैक एटी टू थाउजेंड लोगों ने वोट्स भी किया हुआ है जो कि मोस्टली आपको पॉजिटिव रिव्यूज़ ही देखने को मिल जाएंगे सो जरूर से आप भी डीप इम्पैक्ट मूवी को देख सकते हो बात कर लेते हैं कि कहाँ पर आपको यह मूवी देखने को मिलेगी इस मूवी को अगर आप देखना पसंद करते हो तो यह मूवी आप नेटफ्लिक्स सिक्योरिटी प्लेटफॉर्म पर देख सकते हो साथ ही के साथ अमेजॉन प्राइम वीडियो पर भी आपको डीप इम्पैक्ट मूवी देखने को मिल जाती है सो तो जरूर से आप देख सकते हो एच वी ओ मैक्स पर भी देख सकते हो आज का मूवी रिव्यू अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर देना तो फिल्मी रिव्यू की एक और नई वीडियो पर आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डीप इम्पैक्ट मूवी के बारे में यह मूवी साल 1998 में रिलीज़ हुई थी आज भी काफ़ी ज़्यादा लोग डीप इम्पैक्ट मूवी को देखना पसंद करते हैं सो अगर आप भी डीप इम्पैक्ट मूवी को देखना पसंद करते हो तो आज की इस वीडियो को एक बार लाइक तो जरूर से कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना सो तो आज की इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि डीप एम्पैक्ट मूवी आप कहाँ पर देख सकते हो साथ ही मैं आपको बताने वाले हैं इस मूवी की टीम के बारे में कि कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है कौन से डायरेक्टर ने इस मूवी को डायरेक्ट किया है कौन से एक्टर आपको डीप इम्पैक्ट मूवी में देखने को मिल जाते हैं कितने बजट में इस मूवी को बनाया गया था एंड कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने किया था सो फुल डिटेल में आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना अगर आप भी डीप इम्पैक्ट मूवी को देखना पसंद करते हो साथ ही में बात करेंगे कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर निभाया है इस मूवी में एंड आपको डीप इम्पैक्ट मूवी देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए क्या कुछ खास आपको इस मूवी में देखने को मिल जाता है फुल डिटेल में रिव्यू आपको मिल जाएगा सबसे पहले इस मूवी के डायरेक्टर की बात की जाए तो डीप इम्पैक्ट मूवी को डायरेक्ट किया है मिमी लैडर ने मेमी लैडर जो कि जाने पहचाने अमेरिकन एंड टेलीविज़न फिल्म डायरेक्टर हैं एंड राइटर की बात की जाए तो डीप इम्पैक्ट मूवी को लिखा है ब्रूस जोल रूबिन ने माइकल टॉलकिन ने एंड प्रोड्यूस किया है इस मूवी को डेविड ब्राउन ने रिचार्ड डी जैनुक ने एंड एक्ट्रेस की बात की जाए तो डीप इम्पैक्ट मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल में रॉबर्ट डूबल देखने को मिल जाते हैं उसके आगे टी लियोनी देखने को मिल जाते हैं एलिजा वुड देखने को मिल जाते हैं रॉडर ग्रेव देखने को मिल जाते हैं मैक्सी मिलियन देखने को मिल जाते हैं मॉर्गन फ्रीमैन भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाते हैं सनमाइटोग्राफी की बात की जाए तो डीप इंपैक्ट मूवी में सनमाइटोग्राफी की है डाइट्रीच लोहमन ने एंड एडिट किया है इस मूवी को पॉल चिको चिकोकी ने डेविड रोशन ब्लूम ने एंड म्यूजिक किया है इस मूवी का जेम्स हॉर्नर ने प्रोडक्शन कंपनीज एंड डीप इम्पैक्ट मूवी के पैरामाउंट पिक्चर्स ड्रीम वर्कस पिक्चर्स द मनहाटन प्रोजेक्ट जेनक ब्रॉन प्रोडक्शंस और डिस्ट्रीब्यूट किया है डीप इम्पैक्ट मूवी को पैरामाउंट पिक्चर्स ने ड्रीम वर्कस पिक्चर्स ने और इस मूवी का रिलीजिंग डेट एट मई नाइनटीन था और रनिंग टाइम था इस मूवी का वन ट्वेंटी वन मिनट्स और बजट की बात की जाए एंड बॉक्स ऑफ कलेक्शन की बात की जाए तो डीप इम्पैक्ट मूवी का बजट एटी मिलियन डॉलर का रहा था एंड इस मूवी का बॉक्स ऑफ कलेक्शन थ्री हंड्रेड फोर्टी नाइन पॉइंट फाइव मिलियन डॉलर का रहा था उसके आगे बात की जाए एक्ट्रेस की कि कौन से एक्टर ने किसका कैरेक्टर निभाया है इस मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल में रॉबर्ट ड्यूबल ने कैप्टन स्पुरजियोन का कैरेक्टर निभाया है टिया लियोनी ने जैनी लर्नर का कैरेक्टर निभाया है अलीजा वुड ने लियो बैडरमैन का कैरेक्टर निभाया है बैनेसा रेडग्रेव ने रॉबिन लर्नर का कैरेक्टर निभाया है मैक्सी सचल ने जैसोन लर्नर का कैरेक्टर निभाया है रया किहलस्टेड ने चुलॉय लर्नर का कैरेक्टर निभाया है मॉर्गन फ्रीमैन ने टॉम बैक का कैरेक्टर निभाया है इस मूवी में उसके आगे जॉनर की बात की जाए तो डीम पे पैक्ट मूवी एक साइंस फिक्शन डाइजेस्टर मूवी है, है। काफ़ी पसंद आपको इस मूवी की स्टोरी आने वाली है क्योंकि काफ़ी डिफरेंट स्टोरी है एंड मिमी लैडर ने काफ़ी अच्छे तरीके से इस मूवी को डायरेक्ट भी किया है पूरे ही एक्ट्रेस का आपको कमाल का काम इस मूवी में देखने को मिल जाएगा कमाल की एक्टिंग आप इस मूवी में देख सकते हो ही के साथ कमाल की सैनमेटोग्राफी के साथ कमाल की एडिटिंग भी आपको डीप इम्पैक्ट मूवी में देखने को मिल जाएगी पूरी ही टीम ने बहुत ही बढ़िया तरीके से इस मूवी को बनाया है सो आप भी जरूर से इस मूवी को देख सकते हो एंड इसके बॉक्स ऑफ कलेक्शन से ही आपको पता चल गया होगा कि कितना बड़ा हिट मूवी था साल 1998 में काफ़ी ज़्यादा अर्निंग इस मूवी ने किया था एंड काफ़ी बड़ी मूवीज़ में इसका नाम आता था आई की बात कर लेते हैं तो आई पर भी डीप इम्पैक्ट मूवी को काफ़ी अच्छा रेटिंग एंड रिव्यूज़ मिला हुआ है सिक्स आउट ऑफ टेन की रेटिंग इस मूवी को आई पर मिली है एंड इस मूवी को वन लैक टू थाउजेंड लोगों ने वोट्स भी किया हुआ है जो कि मोस्टली आपको पॉजिटिव रिव्यूज़ ही देखने को मिल जाएंगे सो जरूर से आप भी डीप इम्पैक्ट मूवी को देख सकते हो बात कर लेते हैं कि कहाँ पर आपको यह मूवी देखने को मिलेगी इस मूवी को अगर आप देखना पसंद करते हो तो यह मूवी आप नेटफ्लिक्स सिक्योरिटी प्लेटफॉर्म पर देख सकते हो साथ ही के साथ अमेजॉन प्राइम वीडियो पर भी आपको डीप इम्पैक्ट मूवी देखने को मिल जाती है सो तो जरूर से आप देख सकते हो एच वी ओ मैक्स पर भी देख सकते हो आज का मूवी रिव्यू अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर देना तो फिल्मी रिव्यू की एक और नई वीडियो पर आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे डीप इम्पैक्ट मूवी के बारे में यह मूवी साल 1998 में रिलीज हुई थी आज भी काफ़ी ज़्यादा लोग डीप इम्पैक्ट मूवी को देखना पसंद करते हैं सो so अगर आप भी डीप इम्पैक्ट मूवी को देखना पसंद करते हो तो आज की इस वीडियो को एक बार लाइक तो ज़रूर से कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना सो so आज की इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि डीप इम्पैक्ट मूवी आप कहाँ पर देख सकते हो साथ ही मैं आपको बताने वाले हैं इस मूवी की टीम के बारे में कि कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है कौन से डायरेक्टर ने इस मूवी को डायरेक्ट किया है कौन से एक्टर आपको डीप इम्पैक्ट मूवी में देखने को मिल जाते हैं कितने बजट में इस मूवी को बनाया गया था एंड कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने किया था सो फुल डिटेल में आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना अगर आप भी डीप इम्पैक्ट मूवी को देखना पसंद करते हो साथ ही में बात करेंगे कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर निभाया है इस मूवी में एंड आपको डीप इम्पैक्ट मूवी देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए क्या कुछ खास आपको इस मूवी में देखने को मिल जाता है फुल डिटेल में रिव्यू आपको मिल जाएगा सबसे पहले इस मूवी के डायरेक्टर की बात की जाए तो डीप इम्पैक्ट मूवी को डायरेक्ट किया है मेमी लैडर ने मेमी लैडर जो कि जाने पहचाने अमेरिकन एंड टेलीविज़न फिल्म डायरेक्टर हैं एंड राइटर की बात की जाए तो डीप इम्पैक्ट मूवी को लिखा है ब्रूस जोल रूबिन ने माइकल टॉलकिन ने एंड प्रोड्यूस किया है इस मूवी को डेविड ब्राउन ने रिचार्ड डी जैनुक ने एंड एक्ट्रेस की बात की जाए तो डीप इम्पैक्ट मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल में रॉबर्ट डूबल देखने को मिल जाते हैं उसके आगे टी लियोनी देखने को मिल जाते हैं एलिजा वुड देखने को मिल जाते हैं बनेसा ग्रेव देखने को मिल जाते हैं मैक्सी मिलियन सज्जल देखने को मिल जाते हैं मॉर्गन फ्रीमैन भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाते हैं सनमाइटोग्राफी की बात की जाए तो डीप इम्पैक्ट मूवी में सनमैटोग्राफी की है डाइट्रीच लोहमन जिको, ने एंड एडिट किया है इस मूवी को पॉल चिको चिकोकी ने डेविड रोशन ब्लूम ने एंड म्यूजिक किया है इस मूवी का जेम्स हॉर्नर ने प्रोडक्शन कंपनीज हैं डीप इम्पैक्ट मूवी के पैरामाउंट पिक्चर्स, ड्रीम वर्कस पिक्चर्स, द मनहाटन प्रोजेक्ट, जैनक ब्रॉन प्रोडक्शंस और डिस्ट्रीब्यूट किया है डीप इम्पैक्ट मूवी को पैरामाउंट पिक्चर्स ने ड्रीम वर्कस पिक्चर्स ने और इस मूवी का रिलीजिंग डेट एट मई नाइनटीन नाइन्टी एट था, था और रनिंग टाइम था इस मूवी का वन ट्वेंटी वन मिनट्स और बजट की बात की जाए एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात की जाए तो डीप इम्पैक्ट मूवी का बजट एटी मिलियन डॉलर का रहा था एंड इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन थ्री हंड्रेड फोट नाइन पॉइंट फाइव मिलियन डॉलर का रहा था उसके आगे बात की जाए एक्ट्रेस की कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर निभाया है इस मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल में रॉबर्ट ड्यूबल ने कैप्टन स्पोर का कैरेक्टर निभाया है टिया लियोनी ने जैनी लर्नर का कैरेक्टर निभाया है अलीजा वुड ने लियो बैडरमैन का कैरेक्टर निभाया है बैनेसा रेडग्रेव ने रॉबिन लर्नर का कैरेक्टर निभाया है मैक्सी सचल ने जैसोन लर्नर का कैरेक्टर निभाया है रया किहल ने चलॉय लर्नर का कैरेक्टर निभाया है मॉर्गन फ्रीमैन ने टॉम बैक का कैरेक्टर निभाया है इस मूवी में उसके आगे जॉनर की बात की जाए तो डीप इम्पैक्ट मूवी एक साइंस फिक्शन डाइजास्टर मूवी है काफ़ी पसंद आपको इस मूवी की स्टोरी आने वाली है क्योंकि काफ़ी डिफरेंट स्टोरी है एंड मिमी लैडर ने काफ़ी अच्छे तरीके से इस मूवी को डायरेक्ट भी किया है पूरे ही एक्ट्रेस का आपको कमाल का काम इस मूवी में देखने को मिल जाएगा कमाल की एक्टिंग आप इस मूवी में देख सकते हो साथ ही के साथ कमाल की सैनमेटोग्राफी के साथ कमाल की एडिटिंग भी आपको डीप इंपैक्ट मूवी में देखने को मिल जाएगी पूरी ही टीम ने बहुत ही बढ़िया तरीके से इस मूवी को बनाया है सो आप भी ज़रूर से इस मूवी को देख सकते हो एंड इसके बॉक्स ऑफ कलेक्शन से ही आपको पता चल गया होगा कि कितना बड़ा हिट मूवी था साल 1998 में काफ़ी ज़्यादा अर्निंग इस मूवी ने किया था एंड काफ़ी बड़ी मूवीज़ में इसका नाम आता था आईएमडीवी की बात कर लेते हैं तो आईएमडीवी पर भी डीप इम्पैक्ट मूवी को काफ़ी अच्छा रेटिंग एंड रिव्यूज़ मिला हुआ है सिक्स आउट ऑफ टेन की रेटिंग इस मूवी को आई पर मिली है एंड इस मूवी को वन लैक टू थाउजेंड लोगों ने वोट्स भी किया हुआ है जो कि मोस्टली आपको पॉजिटिव रिव्यूज़ ही देखने को मिल जाएंगे सो जरूर से आप भी डीप इम्पैक्ट मूवी को देख सकते हो बात कर लेते हैं कि कहाँ पर आपको यह मूवी देखने को मिलेगी इस मूवी को अगर आप देखना पसंद करते हो तो यह मूवी आप नेटफ्लिक्स क्योरिटी प्लेटफॉर्म पर देख सकते हो साथ ही के साथ Amazon प्राइम वीडियो पर भी आपको डीप इम्पैक्ट मूवी देखने को मिल जाती है सो तो ज़रूर से आप देख सकते हो एच वी ओ मैक्स पर भी देख सकते हो आज का मूवी रिव्यू अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर देना तो फिल्मी रिव्यू की एक और नई वीडियो पर आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डीप इम्पैक्ट मूवी के बारे में यह मूवी साल 1998 में रिलीज़ हुई थी आज भी काफ़ी ज़्यादा लोग डीप इम्पैक्ट मूवी को देखना पसंद करते हैं सो अगर आप भी डीप इम्पैक्ट मूवी को देखना पसंद करते हो तो आज की इस वीडियो को एक बार लाइक तो ज़रूर से कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना सो आज के इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि डीप इम्पैक्ट मूवी आप कहाँ पर देख सकते हो साथ ही मैं आपको बताने वाले हैं इस मूवी की टीम के बारे में कि कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है कौन से डायरेक्टर ने इस मूवी को डायरेक्ट किया है कौन से एक्टर आपको डीप इम्पैक्ट मूवी में देखने को मिल जाते हैं कितने बजट में इस मूवी को बनाया गया था एंड कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने किया था सो फुल डिटेल में आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना अगर आप भी डीप इम्पैक्ट मूवी को देखना पसंद करते हो साथ ही में बात करेंगे कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर निभाया है इस मूवी में एंड आपको डीप इम्पैक्ट मूवी देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए क्या कुछ ख़ास आपको इस मूवी में देखने को मिल जाता है फुल डिटेल में रिव्यू आपको मिल जाएगा सबसे पहले इस मूवी के डायरेक्टर की बात की जाए तो डीप इम्पैक्ट मूवी को डायरेक्ट किया है मिमी लैडर ने मेमी लैडर जो कि जाने पहचाने अमेरिकन एंड टेलीविज़न फिल्म डायरेक्टर हैं एंड राइटर की बात की जाए तो डीप इम्पैक्ट मूवी को लिखा है ब्रूस जोल रूबिन ने माइकल टॉलकिन ने एंड प्रोड्यूस किया है इस मूवी को डेविड ब्राउन ने रिचार्ड डी जैनुक ने एंड एक्ट्रेस की बात की जाए तो डीप इम्पैक्ट मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल में रॉबर्ट डूबल देखने को मिल जाते हैं उसके आगे टी लियोनी देखने को मिल जाते हैं एलीजा वुड देखने को मिल जाते हैं रॉडर ग्रेव देखने को मिल जाते हैं मैक्सिमिलियन सजल सज्जल देखने को मिल जाते हैं मॉर्गन फ्रीमैन भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाते हैं सनमाइटोग्राफी की बात की जाए तो डीप इम्पैक्ट मूवी में सनमैटोग्राफी की है डाइट्रीच लोहमन ने एंड एडिट किया है इस मूवी को पॉल चिको चिकोकी ने डेविड रोशन ब्लूम ने एंड म्यूजिक किया है इस मूवी का जेम्स हॉर्नर ने प्रोडक्शन कंपनीज एंड डीप इम्पैक्ट मूवी के पैरामाउंट पिक्चर्स ड्रीम वर्कस पिक्चर्स द मनहाटन प्रोजेक्ट जेनक ब्रॉन प्रोडक्शंस और डिस्ट्रीब्यूट किया है डीप इम्पैक्ट मूवी को पैरामाउंट पिक्चर्स ने ड्रीम वर्कस पिक्चर्स ने और इस मूवी का रिलीजिंग डेट एट मई नाइनटीन नाइन्टी एट था, था और रनिंग टाइम था इस मूवी का वन ट्वेंटी वन मिनट्स और बजट की बात की जाए एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात की जाए तो डीप इम्पैक्ट मूवी का बजट एटी मिलियन डॉलर का रहा था एंड इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन थ्री हंड्रेड फोर्टी नाइन पॉइंट फाइव मिलियन डॉलर का रहा था उसके आगे बात की जाए एक्ट्रेस की कि कौन से एक्टर ने किसका कैरेक्टर निभाया है इस मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल में रॉबर्ट ड्यूवल ने कैप्टन स्पुरजियोन का कैरेक्टर निभाया है टिया लियोनी ने जैनी लर्नर का कैरेक्टर निभाया है एलिजा वुड ने लियो बैडरमैन का कैरेक्टर निभाया है बैनेसा रेडग्रेव ने रॉबिन लर्नर का कैरेक्टर निभाया है मैक्सिमिलियन मिलियन सचैल ने जैसोन लर्नर का कैरेक्टर निभाया है रया किल ने चलॉय लर्नर का कैरेक्टर निभाया है मॉर्गन फ्रीमैन ने टॉम बैक का कैरेक्टर निभाया है इस मूवी में उसके आगे जॉनर की बात की जाए तो डीम पे पैक्ट मूवी एक साइंस फिक्शन एंड डाइजेस्टर मूवी है, है। काफ़ी पसंद आपको इस मूवी की स्टोरी आने वाली है क्योंकि काफ़ी डिफरेंट स्टोरी है एंड मिमी लैडर ने काफ़ी अच्छे तरीके से इस मूवी को डायरेक्ट भी किया है पूरे ही एक्ट्रेस का आपको कमाल का काम इस मूवी में देखने को मिल जाएगा कमाल की एक्टिंग आप इस मूवी में देख सकते हो साथ ही के साथ कमाल की सनमाइटोग्राफी के साथ कमाल की एडिटिंग भी आपको डीप इम्पैक्ट मूवी में देखने को मिल जाएगी पूरी ही टीम ने बहुत ही बढ़िया तरीके से इस मूवी को बनाया है सो आप भी ज़रूर से इस मूवी को देख सकते हो एंड इसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन से ही आपको पता चल गया होगा कि कितना बड़ा हिट मूवी था साल 1998 में काफ़ी ज़्यादा अर्निंग इस मूवी ने किया था एंड काफ़ी बड़ी मूवीज़ में इसका नाम आता था आईएमडीवी की बात कर लेते हैं तो आईएमडीवी पर भी डीप इम्पैक्ट मूवी को काफ़ी अच्छा रेटिंग एंड रिव्यूज़ मिला हुआ है सिक्स आउट ऑफ टेन की रेटिंग इस मूवी को आई पर मिली है एंड इस मूवी को वन लैक एटी टू थाउजेंड लोगों ने वोट्स भी किया हुआ है जो कि मोस्टली आपको पॉजिटिव रिव्यूज़ ही देखने को मिल जाएंगे सो जरूर से आप भी डीप इम्पैक्ट मूवी को देख सकते हो बात कर लेते हैं कि कहाँ पर आपको यह मूवी देखने को मिलेगी इस मूवी को अगर आप देखना पसंद करते हो तो यह मूवी आप नेटफ्लिक्स सिक्योरिटी प्लेटफॉर्म पर देख सकते हो साथ ही के साथ Amazon प्राइम वीडियो पर भी आपको डीप इम्पैक्ट मूवी देखने को मिल जाती है सो तो जरूर से आप देख सकते हो एच वी ओ मैक्स पर भी देख सकते हो आज का मूवी रिव्यू अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर देना तो फिल्मी रिव्यू की एक और नई वीडियो पर आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डीप इम्पैक्ट मूवी के बारे में यह मूवी साल नाइनटीन एट में रिलीज़ हुई थी आज भी काफ़ी ज़्यादा लोग डीप इम्पैक्ट मूवी को देखना पसंद करते हैं सो अगर आप भी डीप इम्पैक्ट मूवी को देखना पसंद करते हो तो आज की इस वीडियो को एक बार लाइक तो ज़रूर से कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना सो so, आज के इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि डीप इम्पैक्ट मूवी आप कहाँ पर देख सकते हो साथ ही मैं आपको बताने वाले हैं इस मूवी की टीम के बारे में कि कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है कौन से डायरेक्टर ने इस मूवी को डायरेक्ट किया है कौन से एक्टर आपको डीप इम्पैक्ट मूवी में देखने को मिल जाते हैं कितने बजट में इस मूवी को बनाया गया था एंड कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने किया था सो फुल डिटेल में आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना अगर आप भी डीप इम्पैक्ट मूवी को देखना पसंद करते हो साथ ही में बात करेंगे कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर निभाया है इस मूवी में एंड आपको डीप इम्पैक्ट मूवी देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए क्या कुछ ख़ास आपको इस मूवी में देखने को मिल जाता है फुल डिटेल में रिव्यू आपको मिल जाएगा सबसे पहले इस मूवी के डायरेक्टर की बात की जाए तो डीप इम्पैक्ट मूवी को डायरेक्ट किया है मेमी लैडर ने मेमी लैडर जो कि जाने पहचाने अमेरिकन एंड टेलीविज़न फिल्म डायरेक्टर हैं एंड राइटर की बात की जाए तो डीप इम्पैक्ट मूवी को लिखा है ब्रूस जोल रूबिन ने माइकल टॉलकिन ने एंड प्रोड्यूस किया है इस मूवी को डेविड ब्राउन ने रिचार्ड डी जैनुक ने एंड एक्ट्रेस की बात की जाए तो डीप इम्पैक्ट मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल में रॉबर्ट डूबल देखने को मिल जाते हैं उसके आगे टी लियोनी देखने को मिल जाते हैं एलिजा वुड देखने को मिल जाते हैं बानेसा, रॉडग्रेव देखने को मिल जाते हैं मैक्सी मिलियन सज्जल देखने को मिल जाते हैं मॉर्गन फ्रीमैन भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाते हैं सनमाइटोग्राफी की बात की जाए तो डीप इम्पैक्ट मूवी में सनमैटोग्राफी की है डाइट्रीच लोहमन जिको, ने एंड एडिट किया है इस मूवी को पॉल चिको चिकोकी ने डेविड रोशन ब्लूम ने एंड म्यूजिक किया है इस मूवी का जेम्स हॉर्नर ने प्रोडक्शन कंपनी हैं डीप इम्पैक्ट मूवी के पैरामाउंट पिक्चर्स ड्रीम वर्कस पिक्चर्स द मन प्रोजेक्ट जेनक ब्रॉन प्रोडक्शंस और डिस्ट्रीब्यूट किया है डीप इम्पैक्ट मूवी को पैरामाउंट पिक्चर्स ने ड्रीम वर्कस पिक्चर्स ने और इस मूवी का रिलीजिंग डेट एट्थ मई नाइनटीन नाइन्टी एट था, 1998 था और रनिंग टाइम था इस मूवी का वन ट्वेंटी वन मिनट्स और बजट की बात की जाए एंड बॉक्स ऑफ कलेक्शन की बात की जाए तो डीप एम्पैक्ट मूवी का बजट एटी मिलियन डॉलर का रहा था एंड इस मूवी का बॉक्स ऑफ कलेक्शन 349.5 मिलियन डॉलर का रहा था उसके आगे बात की जाए एक्ट्रेस की कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर निभाया है इस मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल में रॉबर्ट डूबल ने कैप्टन स्पुरजियोन का करैक्टर निभाया है टिया लियोनी ने जैनी लर्नर का करैक्टर निभाया है एलिजा वुड ने लियो बैडरमैन का करैक्टर निभाया है बैनेसा रेडग्रेव ने रॉबिन लर्नर का कैरेक्टर निभाया है मैक्सिमिलियन मिलियन सचैल ने जैसोन लर्नर का कैरेक्टर निभाया है रया किहिलस्टेड ने चलॉय लर्नर का कैरेक्टर निभाया है मॉर्गन फ्रीमैन ने टॉम बैक का कैरेक्टर निभाया है इस मूवी में उसके आगे जॉनर की बात की जाए तो डीम पे एक्ट मूवी एक साइंस ऑफ फिक्शन एंड डाइजेस्टर मूवी है, है। काफ़ी पसंद आपको इस मूवी की स्टोरी आने वाली है क्योंकि काफ़ी डिफरेंट स्टोरी है एंड मिमी लैडर ने काफ़ी अच्छे तरीके से इस मूवी को डायरेक्ट भी किया है पूरे ही एक्ट्रेस का आपको कमाल का काम इस मूवी में देखने को मिल जाएगा कमाल की एक्टिंग आप इस मूवी में देख सकते हो साथ ही के साथ कमाल की सैमैटोग्राफ़ी के साथ कमाल की एडिटिंग भी आपको डीप इम्पैक्ट मूवी में देखने को मिल जाएगी पूरी ही टीम ने बहुत ही बढ़िया तरीके से इस मूवी को बनाया है सो आप भी ज़रूर से इस मूवी को देख सकते हो एंड इसके बॉक्स ऑफ कलेक्शन से ही आपको पता चल गया होगा कि कितना बड़ा हिट मूवी था साल 1998 में काफ़ी ज़्यादा अर्निंग इस मूवी ने किया था एंड काफ़ी बड़ी मूवीज़ में इसका नाम आता था आई की बात कर लेते हैं तो आई पर भी डीप इम्पैक्ट मूवी को काफ़ी अच्छा रेटिंग एंड रिव्यूज़ मिला हुआ है सिक्स आउट ऑफ टेन की रेटिंग इस मूवी को आई पर मिली है एंड इस मूवी को वन लैक एटी टू थाउजेंड लोगों ने वोट्स भी किया हुआ है जो कि मोस्टली आपको पॉजिटिव रिव्यूज़ ही देखने को मिल जाएंगे सो जरूर से आप भी डीप इम्पैक्ट मूवी को देख सकते हो बात कर लेते हैं कि कहाँ पर आपको यह मूवी देखने को मिलेगी इस मूवी को अगर आप देखना पसंद करते हो तो यह मूवी आप नेटफ्लिक्स क्योरिटी प्लेटफॉर्म पर देख सकते हो साथ ही के साथ अमेजॉन प्राइम वीडियो पर भी आपको डीप इम्पैक्ट मूवी देखने को मिल जाती है सो तो जरूर से आप देख सकते हो एच वी ओ मैक्स पर भी देख सकते हो आज का मूवी रिव्यू अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर देना तो फिल्मी रिव्यू की एक और नई वीडियो पर आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डीप इम्पैक्ट मूवी के बारे में यह मूवी साल 1998 में रिलीज़ हुई थी आज भी काफ़ी ज़्यादा लोग डीप इम्पैक्ट मूवी को देखना पसंद करते हैं सो so अगर आप भी डीप इम्पैक्ट मूवी को देखना पसंद करते हो तो आज की इस वीडियो को एक बार लाइक तो ज़रूर से कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना सो so आज की इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि डीप इम्पैक्ट मूवी आप कहाँ पर देख सकते हो साथ ही मैं आपको बताने वाले हैं इस मूवी की टीम के बारे में कि कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है कौन से डायरेक्टर ने इस मूवी को डायरेक्ट किया है कौन से एक्टर आपको डीप इम्पैक्ट मूवी में देखने को मिल जाते हैं कितने बजट में इस मूवी को बनाया गया था एंड कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने किया था सो फुल डिटेल में आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना अगर आप भी डीप इम्पैक्ट मूवी को देखना पसंद करते हो साथ ही में बात करेंगे कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर निभाया है इस मूवी में एंड आपको डीप इम्पैक्ट मूवी देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए क्या कुछ ख़ास आपको इस मूवी में देखने को मिल जाता है फुल डिटेल में रिव्यू आपको मिल जाएगा सबसे पहले इस मूवी के डायरेक्टर की बात की जाए तो डीप इम्पैक्ट मूवी को डायरेक्ट किया है मेमी लैडर ने मेमी लैडर जो कि जाने पहचाने अमेरिकन एंड टेलीविज़न फिल्म डायरेक्टर हैं एंड राइटर की बात की जाए तो डीप इम्पैक्ट मूवी को लिखा है ब्रूस जोल रूबिन ने माइकल टॉलकिन ने एंड प्रोड्यूस किया है इस मूवी को डेविड ब्राउन ने रिचार्ड डी जैनुक ने एंड एक्ट्रेस की बात की जाए तो डीप इम्पैक्ट मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल में रॉबॉर्ट डूबल देखने को मिल जाते हैं उसके आगे टी लियोनी देखने को मिल जाते हैं इल, वुड देखने को मिल जाते हैं बनेसा ग्रेव देखने को मिल जाते हैं मैक्सी मिलियन देखने को मिल जाते हैं मॉर्गन फ्रीमैन भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाते हैं सनमाइटोग्राफी तो की बात की जाए तो डीप इम्पैक्ट मूवी में सनमैटोग्राफी तो की है डाइट्रीच लोहमन ने एंड एडिट किया इस मूवी को पॉल चिको चिकोकी ने डेविड रोशन ब्लूम ने एंड म्यूजिक किया है इस मूवी का जेम्स हॉर्नर ने प्रोडक्शन कंपनी से डीप इम्पैक्ट मूवी के पैरामाउंट पिक्चर्स ड्रीम वर्कस पिक्चर्स द मनहाटन प्रोजेक्ट जैनक ब्राउन प्रोडक्शंस और डिस्ट्रीब्यूट किया है डीप इम्पैक्ट मूवी को पैरामाउंट पिक्चर्स ने ड्रीम वर्कस पिक्चर्स ने और इस मूवी का रिलीजिंग डेट एटथ मई नाइनटीन नाइन्टी एट था, था और रनिंग टाइम था इस मूवी का वन ट्वेंटी वन मिनट्स और बजट की बात की जाए एंड बॉक्स ऑफ कलेक्शन की बात की जाए तो डीप इम्पैक्ट मूवी का बजट एट्टी मिलियन डॉलर का रहा था एंड इस मूवी का बॉक्स ऑफ कलेक्शन थ्री हंड्रेड फोर्टी नाइन पॉइंट फाइव मिलियन डॉलर का रहा था उसके आगे बात की जाए एक्ट्रेस की कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर निभाया है इस मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल में रॉबर्ट ड्यूबल ने कैप्टन स्पूर स्पूरजियोन का कैरेक्टर निभाया है टिया लियोनी ने जैनी लर्नर का कैरेक्टर निभाया है एलिजा वुड ने लियो बैडरमैन का कैरेक्टर निभाया है वैनेसा रेडग्रेव ने रॉबिन लर्नर का कैरेक्टर निभाया है मैक्सी सचल ने जैसवन लर्नर का कैरेक्टर निभाया है रया किहल ने चलॉय लर्नर का कैरेक्टर निभाया है मॉर्गन फ्रीमैन ने टॉम बैक का कैरेक्टर निभाया है इस मूवी में उसके आगे जॉनर की बात की जाए तो डीम पे पैक्ट मूवी एक साइंस फिक्शन डाइजेस्टर मूवी है काफ़ी पसंद आपको इस मूवी की स्टोरी आने वाली है क्योंकि काफ़ी डिफरेंट स्टोरी है एंड मिमी लैडर ने काफ़ी अच्छे तरीके से इस मूवी को डायरेक्ट भी किया है पूरे ही एक्ट्रेस का आपको कमाल का काम इस मूवी में देखने को मिल जाएगा कमाल की एक्टिंग आप इस मूवी में देख सकते हो साथ ही के साथ कमाल की सैनमेटोग्राफी के साथ कमाल की एडिटिंग भी आपको डीप इम्पैक्ट मूवी में देखने को मिल जाएगी पूरी ही टीम ने बहुत ही बढ़िया तरीके से इस मूवी को बनाया है सो आप भी ज़रूर से इस मूवी को देख सकते हो एंड इसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन से ही आपको पता चल गया होगा कि कितना बड़ा हिट मूवी था साल 1998 में काफ़ी ज़्यादा अर्निंग इस मूवी ने किया था एंड काफ़ी बड़ी मूवीज़ में इसका नाम आता था आईएमडीबी की बात कर लेते हैं तो आईएमडीबी पर भी डीप इम्पैक्ट मूवी को काफ़ी अच्छा रेटिंग एंड रिव्यूज़ मिला हुआ है सिक्स आउट ऑफ टेन की रेटिंग इस मूवी को आई पर मिली है एंड इस मूवी को वन लैक एटी टू थाउजेंड लोगों ने वोट्स भी किया हुआ है जो कि मोस्टली आपको पॉजिटिव रिव्यूज़ ही देखने को मिल जाएंगे सो जरूर से आप भी डीप इम्पैक्ट मूवी को देख सकते हो बात कर लेते हैं कि कहाँ पर आपको यह मूवी देखने को मिलेगी इस मूवी को अगर आप देखना पसंद करते हो तो यह मूवी आप नेटफ्लिक्स सिक्योरिटी प्लेटफॉर्म पर देख सकते हो साथ ही के साथ अमेजॉन प्राइम वीडियो पर भी आपको डीप इम्पैक्ट मूवी देखने को मिल जाती है सो तो जरूर से आप देख सकते हो एच वी ओ मैक्स पर भी देख सकते हो आज का मूवी रिव्यू अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना तो फिल्मी रिव्यू की एक और नई वीडियो पर आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डीप इम्पैक्ट मूवी के बारे में यह मूवी साल 1998 में रिलीज़ हुई थी आज भी काफ़ी ज़्यादा लोग डीप इम्पैक्ट मूवी को देखना पसंद करते हैं सो so अगर आप भी डीप इम्पैक्ट मूवी को देखना पसंद करते हो तो आज की इस वीडियो को एक बार लाइक तो जरूर से कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना सो so आज की इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि डीप एम्पैक्ट मूवी आप कहाँ पर देख सकते हो साथ ही मैं आपको बताने वाले हैं इस मूवी की टीम के बारे में कि कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है कौन से डायरेक्टर ने इस मूवी को डायरेक्ट किया है कौन से एक्टर आपको डीप इम्पैक्ट मूवी में देखने को मिल जाते हैं कितने बजट में इस मूवी को बनाया गया था एंड कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने किया था सो फुल डिटेल में आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना अगर आप भी डीप इम्पैक्ट मूवी को देखना पसंद करते हो साथ ही में बात करेंगे कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर निभाया है इस मूवी में एंड आपको डीप इम्पैक्ट मूवी देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए क्या कुछ ख़ास आपको इस मूवी में देखने को मिल जाता है फुल डिटेल में रिव्यू आपको मिल जाएगा सबसे पहले इस मूवी के डायरेक्टर की बात की जाए तो डीप इम्पैक्ट मूवी को डायरेक्ट किया है मेमी लैडर ने मेमी लैडर जो कि जाने पहचाने अमेरिकन एंड टेलीविज़न फिल्म डायरेक्टर हैं एंड राइटर की बात की जाए तो डीप इम्पैक्ट मूवी को लिखा है ब्रूस जोल रूबिन ने माइकल टॉलकिन ने एंड प्रोड्यूस किया है इस मूवी को डेविड ब्राउन ने रिचार्ड डी जैनुक ने एंड एक्ट्रेस की बात की जाए तो डीप इम्पैक्ट मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल में रॉबर्ट डूबल देखने को मिल जाते हैं उसके आगे टी लियोनी देखने को मिल जाते हैं एलिजा वुड देखने को मिल जाते हैं रॉडर रॉडरग्रेव देखने को मिल जाते हैं मैक्सिमिलियन, सजल देखने को मिल जाते हैं मॉर्गन फ्रीमैन भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाते हैं सनमाइटोग्राफी की बात की जाए तो डीप इम्पैक्ट मूवी में सनमैटोग्राफी की है डाइट्रीच लोहमन जिको, ने एंड एडिट किया है इस मूवी को पॉल चिको चिकोकी ने डेविड रोशन ब्लूम ने एंड म्यूजिक किया है इस मूवी का जेम्स हॉर्नर ने प्रोडक्शन कंपनीज हैं डीप इम्पैक्ट मूवी के पैरामाउंट पिक्चर्स ड्रीम वर्कस पिक्चर्स, द मनहाटन प्रोजेक्ट जैनोक ब्रॉन प्रोडक्शंस और डिस्ट्रीब्यूट किया है डीप इम्पैक्ट मूवी को पैरामाउंट पिक्चर्स ने ड्रीम वर्कस पिक्चर्स ने और इस मूवी का रिलीजिंग डेट एट मई नाइनटीन था और रनिंग टाइम था इस मूवी का वन ट्वेंटी वन मिनट्स और बजट की बात की जाए एंड बॉक्स ऑफ कलेक्शन की बात की जाए तो डीप इम्पैक्ट मूवी का बजट एटी मिलियन डॉलर का रहा था एंड इस मूवी का बॉक्स ऑफ कलेक्शन थ्री हंड्रेड फोर्टी नाइन पॉइंट फाइव मिलियन डॉलर का रहा था उसके आगे बात की जाए एक्ट्रेस की कि कौन से एक्टर ने किसका कैरेक्टर निभाया है इस मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल में रॉबर्ट ड्यूवल ने कैप्टन स्पोरजियोन का कैरेक्टर निभाया है टिया लियोनी ने जैनी लर्नर का कैरेक्टर निभाया है एलिजा वुड ने लियो बैडरमैन का कैरेक्टर निभाया है बैनेसा रेडग्रेव ने रॉबिन लर्नर का कैरेक्टर निभाया है मैक्सी सचल ने जैसोन लर्नर का कैरेक्टर निभाया है रया किहलस्टेड ने चलॉय लर्नर का कैरेक्टर निभाया है मॉर्गन फ्रीमैन ने टॉम बैक का कैरेक्टर निभाया है इस मूवी में उसके आगे जॉनर की बात की जाए तो डीप पे पैक्ट मूवी एक साइंस फिक्शन डाइजेस्टर मूवी है काफ़ी पसंद आपको इस मूवी की स्टोरी आने वाली है क्योंकि काफ़ी डिफरेंट स्टोरी है एंड मिमी लैडर ने काफ़ी अच्छे तरीके से इस मूवी को डायरेक्ट भी किया है पूरे ही एक्ट्रेस का आपको कमाल का काम इस मूवी में देखने को मिल जाएगा कमाल की एक्टिंग आप इस मूवी में देख सकते हो साथ ही के साथ कमाल की सैनमेटोग्राफी के साथ कमाल की एडिटिंग भी आपको डीप इम्पैक्ट मूवी में देखने को मिल जाएगी पूरी ही टीम ने बहुत ही बढ़िया तरीके से इस मूवी को बनाया है सो आप भी ज़रूर से इस मूवी को देख सकते हो एंड इसके बॉक्स ऑफ कलेक्शन से ही आपको पता चल गया होगा कि कितना बड़ा हिट मूवी था साल 1998 में काफ़ी ज़्यादा अर्निंग इस मूवी ने किया था एंड काफ़ी बड़ी मूवीज़ में इसका नाम आता था आई की बात कर लेते हैं तो आई पर भी डीप इम्पैक्ट मूवी को काफ़ी अच्छा रेटिंग एंड रिव्यूज़ मिला हुआ है सिक्स आउट ऑफ टेन की रेटिंग इस मूवी को आई पर मिली है एंड इस मूवी को वन लैक एटी टू थाउजेंड लोगों ने वोट्स भी किया हुआ है जो कि मोस्टली आपको पॉजिटिव रिव्यूज़ ही देखने को मिल जाएंगे सो जरूर से आप भी डीप इम्पैक्ट मूवी को देख सकते हो बात कर लेते हैं कि कहाँ पर आपको यह मूवी देखने को मिलेगी इस मूवी को अगर आप देखना पसंद करते हो तो यह मूवी आप नेटफ्लिक्स सिक्योरिटी प्लेटफॉर्म पर देख सकते हो साथ ही के साथ एमेज़ॉन प्राइम वीडियो पर भी आपको डीप इम्पैक्ट मूवी देखने को मिल जाती है सो तो जरूर से आप देख सकते हो एच वी ओ मैक्स पर भी देख सकते हो आज का मूवी रिव्यू अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना तो फिल्मी रिव्यू की एक और नई वीडियो पर आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डीप इम्पैक्ट मूवी के बारे में यह मूवी साल 1998 में रिलीज़ हुई थी आज भी काफ़ी ज़्यादा लोग डीप इम्पैक्ट मूवी को देखना पसंद करते हैं सो अगर आप भी डीप इम्पैक्ट मूवी को देखना पसंद करते हो तो आज की इस वीडियो को एक बार लाइक तो ज़रूर से कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना सो आज के इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि डीप इम्पैक्ट मूवी आप कहां पर देख सकते हो साथ ही मैं आपको बताने वाले हैं इस मूवी की टीम के बारे में कि कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है कौन से डायरेक्टर ने इस मूवी को डायरेक्ट किया है कौन से एक्टर आपको डीप इम्पैक्ट मूवी में देखने को मिल जाते हैं कितने बजट में इस मूवी को बनाया गया था एंड कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने किया था सो फुल डिटेल में आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना अगर आप भी डीप इम्पैक्ट मूवी को देखना पसंद करते हो साथ ही में बात करेंगे कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर निभाया है इस मूवी में एंड आपको डीप इम्पैक्ट मूवी देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए क्या कुछ खास आपको इस मूवी में देखने को मिल जाता है फुल डिटेल में रिव्यू आपको मिल जाएगा सबसे पहले इस मूवी के डायरेक्टर की बात की जाए तो डीप इम्पैक्ट मूवी को डायरेक्ट किया है मिमी लैडर ने मेमी लेडर जो कि जाने पहचाने अमेरिकन एंड टेलीविज़न फिल्म डायरेक्टर हैं एंड राइटर की बात की जाए तो डीप इम्पैक्ट मूवी को लिखा है ब्रूस जोल रूबिन ने माइकल टॉलकिन ने एंड प्रोड्यूस किया है इस मूवी को डेविड ब्राउन ने रिचार्ड डी जैनुक ने एंड एक्ट्रेस की बात की जाए तो डीप इम्पैक्ट मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल में रॉबॉर्ट डूबल देखने को मिल जाते हैं उसके आगे टी लियोनी देखने को मिल जाते हैं एलिजा वुड देखने को मिल जाते हैं बनेसा ग्रेव देखने को मिल जाते हैं मैक्सी मिलियन सज्जल देखने को मिल जाते हैं मॉर्गन फ्रीमैन भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाते हैं सनमाइटोग्राफी की बात की जाए तो डीप इम्पैक्ट मूवी में सनमैटोग्राफी की है डाइट्रीच लोहमन ने एंड एडिट किया इस मूवी को पॉल चिको चिकोकी ने डेविड रोशन ब्लूम ने एंड म्यूजिक किया है इस मूवी का जेम्स हॉर्नर ने प्रोडक्शन कंपनी से डीप इम्पैक्ट मूवी के पैरामाउंट पिक्चर्स ड्रीम वर्कस पिक्चर्स द मनहाटन प्रोजेक्ट जैनोक ब्रॉन प्रोडक्शंस और डिस्ट्रीब्यूट किया है डीप इम्पैक्ट मूवी को पैरामाउंट पिक्चर्स ने ड्रीम वर्कस पिक्चर्स ने और इस मूवी का रिलीजिंग डेट एट मई नाइनटीन नाइन्टी एट था, था और रनिंग टाइम था इस मूवी का वन ट्वेंटी वन मिनट्स और बजट की बात की जाए एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात की जाए तो डीप इम्पैक्ट मूवी का बजट एटी मिलियन डॉलर का रहा था एंड इस मूवी का बॉक्स ऑफ कलेक्शन थ्री हंड्रेड फोर्टी नाइन पॉइंट फाइव मिलियन डॉलर का रहा था उसके आगे बात की जाए एक्ट्रेस की कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर निभाया है इस मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल में रॉबर्ट ड्यूबल ने कैप्टन स्पूरजियोन का कैरेक्टर निभाया है टिया लियोनी ने जैनी लर्नर का कैरेक्टर निभाया है एलिजा वुड ने लियो बैडरमैन का कैरेक्टर निभाया है बेनेसा रेडग्रेव ने रॉबिन लर्नर का कैरेक्टर निभाया है मैक्सिमिलियन मिलियन सचैल ने जैसोन लर्नर का कैरेक्टर निभाया है रया किलस्टेडन ने चलॉय लर्नर का कैरेक्टर निभाया है मॉर्गन फ्रीमैन ने टॉम बैक का कैरेक्टर निभाया है इस मूवी में उसके आगे जॉनर की बात की जाए तो डीम पे पैक्ट मूवी एक साइंस ऑफ फिक्शन एंड डाइजेस्टर मूवी है, है। काफ़ी पसंद आपको इस मूवी की स्टोरी आने वाली है क्योंकि काफ़ी डिफरेंट स्टोरी है एंड मिमी लैडर ने काफ़ी अच्छे तरीके से इस मूवी को डायरेक्ट भी किया है पूरे ही एक्ट्रेस का आपको कमाल का काम इस मूवी में देखने को मिल जाएगा कमाल की एक्टिंग आप इस मूवी में देख सकते हो साथ ही के साथ कमाल की सनमाइटोग्राफ़ी के साथ कमाल की एडिटिंग भी आपको डीप इम्पैक्ट मूवी में देखने को मिल जाएगी पूरी ही टीम ने बहुत ही बढ़िया तरीके से इस मूवी को बनाया है सो आप भी ज़रूर से इस मूवी को देख सकते हो एंड इसके बॉक्स ऑफ कलेक्शन से ही आपको पता चल गया होगा कि कितना बड़ा हिट मूवी था साल 1998 में काफ़ी ज़्यादा अर्निंग इस मूवी ने किया था एंड काफ़ी बड़ी मूवीज़ में इसका नाम आता था आईएमडीवी की बात कर लेते हैं तो आईएमडीवी पर भी डीप इम्पैक्ट मूवी को काफ़ी अच्छा रेटिंग एंड रिव्यूज़ मिला हुआ है सिक्स आउट ऑफ टेन की रेटिंग इस मूवी को आई पर मिली है एंड इस मूवी को वन लैक टू थाउजेंड लोगों ने वोट्स भी किया हुआ है जो कि मोस्टली आपको पॉजिटिव रिव्यूज़ ही देखने को मिल जाएंगे सो जरूर से आप भी डीप इम्पैक्ट मूवी को देख सकते हो बात कर लेते हैं कि कहाँ पर आपको यह मूवी देखने को मिलेगी इस मूवी को अगर आप देखना पसंद करते हो तो यह मूवी आप नेटफ्लिक्स क्योरिटी प्लेटफॉर्म पर देख सकते हो साथ ही के साथ Amazon प्राइम वीडियो पर भी आपको डीप इम्पैक्ट मूवी देखने को मिल जाती है सो तो ज़रूर से आप देख सकते हो एच वी ओ मैक्स पर भी देख सकते हो आज का मूवी रिव्यू अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर देना तो फिल्मी रिव्यू की एक और नई वीडियो पर आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डीप इम्पैक्ट मूवी के बारे में यह मूवी साल 1998 में रिलीज़ हुई थी आज भी काफ़ी ज़्यादा लोग डीप इम्पैक्ट मूवी को देखना पसंद करते हैं सो अगर आप भी डीप इम्पैक्ट मूवी को देखना पसंद करते हो तो आज की इस वीडियो को एक बार लाइक तो ज़रूर से कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना सो आज की इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि डीप इम्पैक्ट मूवी आप कहाँ पर देख सकते हो साथ ही मैं आपको बताने वाले हैं इस मूवी की टीम के बारे में कि कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है कौन से डायरेक्टर ने इस मूवी को डायरेक्ट किया है कौन से एक्टर आपको डीप इम्पैक्ट मूवी में देखने को मिल जाते हैं कितने बजट में इस मूवी को बनाया गया था एंड कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने किया था सो फुल डिटेल में आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना अगर आप भी डीप इम्पैक्ट मूवी को देखना पसंद करते हो साथ ही में बात करेंगे कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर निभाया है इस मूवी में एंड आपको डीप इम्पैक्ट मूवी देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए क्या कुछ ख़ास आपको इस मूवी में देखने को मिल जाता है फुल डिटेल में रिव्यू आपको मिल जाएगा सबसे पहले इस मूवी के डायरेक्टर की बात की जाए तो डीप इम्पैक्ट मूवी को डायरेक्ट किया है मिमी लैडर ने मेमी लैडर जो कि जाने पहचाने अमेरिकन एंड टेलीविज़न फिल्म डायरेक्टर हैं एंड राइटर की बात की जाए तो डीप इम्पैक्ट मूवी को लिखा है ब्रूस जोल रूबिन ने माइकल टॉलकिन ने एंड प्रोड्यूस किया है इस मूवी को डेविड ब्राउन ने रिचार्ड डी जैनुक ने एंड एक्ट्रेस की बात की जाए तो डीप इम्पैक्ट मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल में रॉबर्ट डूबल देखने को मिल जाते हैं उसके आगे टी लियोनी देखने को मिल जाते हैं एलिजा वुड देखने को मिल जाते हैं रॉडर ग्रेव देखने को मिल जाते हैं मैक्सिमिलियन सजल सज्जल देखने को मिल जाते हैं मॉर्गन फ्रीमैन भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाते हैं सनमाइटोग्राफी की बात की जाए तो डीप इम्पैक्ट मूवी में सनमैटोग्राफी की है डायट्री लोहमन ने एंड एडिट किया है इस मूवी को पॉल चिको चिकोकी ने डेविड रोशन ब्लूम ने एंड म्यूजिक किया है इस मूवी का जेम्स हॉर्नर ने प्रोडक्शन कंपनी से डीप इम्पैक्ट मूवी के पैरामाउंट पिक्चर्स ड्रीम वर्कस पिक्चर्स द मन प्रोजेक्ट जेनुक ब्रॉन प्रोडक्शंस और डिस्ट्रीब्यूट किया है डीप इम्पैक्ट मूवी को पैरामाउंट पिक्चर्स ने ड्रीम वर्कर्स पिक्चर्स ने और इस मूवी का रिलीजिंग डेट एट मई 1998 था और रनिंग टाइम था इस मूवी का वन ट्वेंटी वन मिनट्स और बजट की बात की जाए एंड बॉक्स ऑफ कलेक्शन की बात की जाए तो डीप इम्पैक्ट मूवी का बजट एटी मिलियन डॉलर का रहा था एंड इस मूवी का बॉक्स ऑफ कलेक्शन थ्री हंड्रेड फोट 49.5 मिलियन डॉलर का रहा था उसके आगे बात की जाए एक्ट्रेस की कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर निभाया है इस मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल में रॉबर्ट ड्यूवल ने कैप्टन स्पूरजियोन का करैक्टर निभाया है टिया लियोनी ने जैनी लर्नर का करैक्टर निभाया है एलिजा वुड ने लियो बैडरमैन का करैक्टर निभाया है बैनेसा रेडग्रेव ने रॉबिन लर्नर का कैरेक्टर निभाया है मैक्सिमिलियन मिलियन सचैल ने जैसोन लर्नर का कैरेक्टर निभाया है रया किल ने चलॉय लर्नर का कैरेक्टर निभाया है मॉर्गन फ्रीमैन ने टॉम बैक का कैरेक्टर निभाया है इस मूवी में उसके आगे जॉनर की बात की जाए तो डीम पे पैक्ट मूवी एक साइंस फिक्शन एंड डाइजेस्टर मूवी है, है। काफ़ी पसंद आपको इस मूवी की स्टोरी आने वाली है क्योंकि काफ़ी डिफरेंट स्टोरी है एंड मिमी लैडर ने काफ़ी अच्छे तरीके से इस मूवी को डायरेक्ट भी किया है पूरे ही एक्ट्रेस का आपको कमाल का काम इस मूवी में देखने को मिल जाएगा कमाल की एक्टिंग आप इस मूवी में देख सकते हो साथ ही के साथ कमाल की सनमाइटोग्राफी के साथ कमाल की एडिटिंग भी आपको डीप इम्पैक्ट मूवी में देखने को मिल जाएगी पूरी ही टीम ने बहुत ही बढ़िया तरीके से इस मूवी को बनाया है सो आप भी ज़रूर से इस मूवी को देख सकते हो एंड इसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन से ही आपको पता चल गया होगा कि कितना बड़ा हिट मूवी था साल 1998 में काफ़ी ज़्यादा अर्निंग इस मूवी ने किया था एंड काफ़ी बड़ी मूवीज़ में इसका नाम आता था आईएमडीवी की बात कर लेते हैं तो आईएमडीवी पर भी डीप इम्पैक्ट मूवी को काफ़ी अच्छा रेटिंग एंड रिव्यूज़ मिला हुआ है सिक्स आउट ऑफ टेन की रेटिंग इस मूवी को आई पर मिली है एंड इस मूवी को वन लैक एटी टू थाउजेंड लोगों ने वोट्स भी किया हुआ है जो कि मोस्टली आपको पॉजिटिव रिव्यूज़ ही देखने को मिल जाएंगे सो जरूर से आप भी डीप इम्पैक्ट मूवी को देख सकते हो बात कर लेते हैं कि कहाँ पर आपको यह मूवी देखने को मिलेगी इस मूवी को अगर आप देखना पसंद करते हो तो यह मूवी आप नेटफ्लिक्स सिक्योरिटी प्लेटफॉर्म पर देख सकते हो साथ ही के साथ Amazon प्राइम वीडियो पर भी आपको डीप इम्पैक्ट मूवी देखने को मिल जाती है सो तो जरूर से आप देख सकते हो एच वी ओ मैक्स पर भी देख सकते हो आज का मूवी रिव्यू अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर देना तो फिल्मी रिव्यू की एक और नई वीडियो पर आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डीप इम्पैक्ट मूवी के बारे में यह मूवी साल नाइनटीन एट में रिलीज़ हुई थी आज भी काफ़ी ज़्यादा लोग डीप इम्पैक्ट मूवी को देखना पसंद करते हैं सो अगर आप भी डीप इम्पैक्ट मूवी को देखना पसंद करते हो तो आज की इस वीडियो को एक बार लाइक तो ज़रूर से कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना सो आज के इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि डीप इम्पैक्ट मूवी आप कहाँ पर देख सकते हो साथ ही मैं आपको बताने वाले हैं इस मूवी की टीम के बारे में कि कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है कौन से डायरेक्टर ने इस मूवी को डायरेक्ट किया है कौन से एक्टर आपको डीप इम्पैक्ट मूवी में देखने को मिल जाते हैं कितने बजट में इस मूवी को बनाया गया था एंड कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने किया था सो फुल डिटेल में आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना अगर आप भी डीप इम्पैक्ट मूवी को देखना पसंद करते हो साथ ही में बात करेंगे कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर निभाया है इस मूवी में एंड आपको डीप इम्पैक्ट मूवी देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए क्या कुछ खास आपको इस मूवी में देखने को मिल जाता है फुल डिटेल में रिव्यू आपको मिल जाएगा सबसे पहले इस मूवी के डायरेक्टर की बात की जाए तो डीप इम्पैक्ट मूवी को डायरेक्ट किया है मेमी लैडर ने मेमी लेडर जो कि जाने पहचाने अमेरिकन एंड टेलीविज़न फिल्म डायरेक्टर हैं एंड राइटर की बात की जाए तो डीप इम्पैक्ट मूवी को लिखा है ब्रूस जोल रूबिन ने माइकल टॉलकिन ने एंड प्रोड्यूस किया है इस मूवी को डेविड ब्राउन ने रिचार्ड डी जैनुक ने एंड एक्ट्रेस की बात की जाए तो डीप इम्पैक्ट मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल में रॉबर्ट डूबल देखने को मिल जाते हैं उसके आगे टी लियोनी देखने को मिल जाते हैं एलिजा वुड देखने को मिल जाते हैं बानेसा रॉडरग्रेव देखने को मिल जाते हैं मैक्सी मिलियन सज्जल देखने को मिल जाते हैं मॉर्गन फ्रीमैन भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाते हैं सनमाइटोग्राफी की बात की जाए तो डीप इम्पैक्ट मूवी में सनमैटोग्राफी की है डाइट्रीच लोहमन ने एंड एडिट किया है इस मूवी को पॉल चिको चिकोकी ने डेविड रॉसन ब्लूम ने एंड म्यूजिक किया है इस मूवी का जेम्स हॉर्नर ने प्रोडक्शन कंपनी से डीप इम्पैक्ट मूवी के पैरामाउंट पिक्चर्स ड्रीम वर्कस पिक्चर्स द मन प्रोजेक्ट जैनक ब्राउन प्रोडक्शंस और डिस्ट्रीब्यूट किया है डीप इम्पैक्ट मूवी को पैरामाउंट पिक्चर्स ने ड्रीम वर्कस पिक्चर्स ने और इस मूवी का रिलीजिंग डेट एटथ मई नाइनटीन नाइन्टी एट था, था और रनिंग टाइम था इस मूवी का वन ट्वेंटी वन मिनट्स और बजट की बात की जाए एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात की जाए तो डीप इम्पैक्ट मूवी का बजट एटी मिलियन डॉलर का रहा था एंड इस मूवी का बॉक्स ऑफ कलेक्शन थ्री हंड्रेड फोर्टी नाइन पॉइंट फाइव मिलियन डॉलर का रहा था उसके आगे बात की जाए एक्ट्रेस की कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर निभाया है इस मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल में रॉबर्ट ड्यूबल ने कैप्टन स्पुरजियोन का करैक्टर निभाया है टिया लियोनी ने जैनी लर्नर का करैक्टर निभाया है एलिजा वुड ने लियो बैडरमैन का करैक्टर निभाया है बैनेसा रेडग्रेव ने रॉबिन लर्नर का करैक्टर निभाया है मैक्सी सचल ने जैसोन लर्नर का कैरेक्टर निभाया है रया किहल ने चुलॉय लर्नर का कैरेक्टर निभाया है मॉर्गन फ्रीमैन ने टॉम बैक का कैरेक्टर निभाया है इस मूवी में उसके आगे जॉनर की बात की जाए तो डीप पे पैक्ट मूवी एक साइंस फिक्शन डाइजास्टर मूवी है काफ़ी पसंद आपको इस मूवी की स्टोरी आने वाली है क्योंकि काफ़ी डिफरेंट स्टोरी है एंड मिमी लैडर ने काफ़ी अच्छे तरीके से इस मूवी को डायरेक्ट भी किया है पूरे ही एक्ट्रेस का आपको कमाल का काम इस मूवी में देखने को मिल जाएगा कमाल की एक्टिंग आप इस मूवी में देख सकते हो साथ ही के साथ कमाल की सैनमेटोग्राफी के साथ कमाल की एडिटिंग भी आपको डीप इम्पैक्ट मूवी में देखने को मिल जाएगी पूरी ही टीम ने बहुत ही बढ़िया तरीके से इस मूवी को बनाया है सो आप भी ज़रूर से इस मूवी को देख सकते हो एंड इसके बॉक्स ऑफ कलेक्शन से ही आपको पता चल गया होगा कि कितना बड़ा हिट मूवी था साल 1998 में काफ़ी ज़्यादा अर्निंग इस मूवी ने किया था एंड काफ़ी बड़ी मूवीज़ में इसका नाम आता था आई की बात कर लेते हैं तो आई पर भी डीप इम्पैक्ट मूवी को काफ़ी अच्छा रेटिंग एंड रिव्यूज़ मिला हुआ है सिक्स आउट ऑफ टेन की रेटिंग इस मूवी को आई पर मिली है एंड इस मूवी को वन लैक एटी टू थाउजेंड लोगों ने वोट्स भी किया हुआ है जो कि मोस्टली आपको पॉजिटिव रिव्यूज़ ही देखने को मिल जाएंगे सो जरूर से आप भी डीप इम्पैक्ट मूवी को देख सकते हो बात कर लेते हैं कि कहाँ पर आपको यह मूवी देखने को मिलेगी इस मूवी को अगर आप देखना पसंद करते हो तो यह मूवी आप नेटफ्लिक्स क्योरिटी प्लेटफॉर्म पर देख सकते हो साथ ही के साथ अमेजॉन प्राइम वीडियो पर भी आपको डीप इम्पैक्ट मूवी देखने को मिल जाती है सो तो जरूर से आप देख सकते हो एच वी ओ मैक्स पर भी देख सकते हो आज का मूवी रिव्यू अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर देना तो फिल्मी रिव्यू की एक और नई वीडियो पर आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डीप इम्पैक्ट मूवी के बारे में यह मूवी साल 1998 में रिलीज़ हुई थी आज भी काफ़ी ज़्यादा लोग डीप इम्पैक्ट मूवी को देखना पसंद करते हैं सो so अगर आप भी डीप इम्पैक्ट मूवी को देखना पसंद करते हो तो आज की इस वीडियो को एक बार लाइक तो ज़रूर से कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना सो so आज की इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि डीप इम्पैक्ट मूवी आप कहाँ पर देख सकते हो साथ ही मैं आपको बताने वाले हैं इस मूवी की टीम के बारे में कि कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है कौन से डायरेक्टर ने इस मूवी को डायरेक्ट किया है कौन से एक्टर आपको डीप इम्पैक्ट मूवी में देखने को मिल जाते हैं कितने बजट में इस मूवी को बनाया गया था एंड कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने किया था सो फुल डिटेल में आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना अगर आप भी डीप इम्पैक्ट मूवी को देखना पसंद करते हो साथ ही में बात करेंगे कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर निभाया है इस मूवी में एंड आपको डीप इम्पैक्ट मूवी देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए क्या कुछ ख़ास आपको इस मूवी में देखने को मिल जाता है फुल डिटेल में रिव्यू आपको मिल जाएगा सबसे पहले इस मूवी के डायरेक्टर की बात की जाए तो डीप इम्पैक्ट मूवी को डायरेक्ट किया है मेमी लैडर ने मेमी लैडर जो कि जाने पहचाने अमेरिकन एंड टेलीविज़न फिल्म डायरेक्टर हैं एंड राइटर की बात की जाए तो डीप इम्पैक्ट मूवी को लिखा है ब्रूस जोल रूबिन ने माइकल टॉलकिन ने एंड प्रोड्यूस किया है इस मूवी को डेविड ब्राउन ने रिचार्ड डी जैनुक ने एंड एक्ट्रेस की बात की जाए तो डीप इम्पैक्ट मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल में रॉबर्ट डूबल देखने को मिल जाते हैं उसके आगे टी लियोनी देखने को मिल जाते हैं एलिजा वुड देखने को मिल जाते हैं बानिसा ग्रेव देखने को मिल जाते हैं मैक्सी मिलियन देखने को मिल जाते हैं मॉर्गन फ्रीमैन भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाते हैं सनमाइटोग्राफी की बात की जाए तो डीप इंपैक्ट मूवी में सनमाइटोग्राफी की है डाइट्रीच लोहमन जिको, ने एंड एडिट किया है इस मूवी को पॉल चिको चिकोकी ने डेविड रोशन ब्लूम ने एंड म्यूजिक किया है इस मूवी का जेम्स हॉर्नर ने प्रोडक्शन कंपनीज हैं डीप इम्पैक्ट मूवी के पैरामाउंट पिक्चर्स ड्रीम वर्कस पिक्चर्स द मन प्रोजेक्ट जैनक ब्रॉन प्रोडक्शंस और डिस्ट्रीब्यूट किया है डीप इम्पैक्ट मूवी को पैरामाउंट पिक्चर्स ने ड्रीम वर्कस पिक्चर्स ने और इस मूवी का रिलीजिंग डेट एटथ मई नाइनटीन नाइन्टी एट था, था और रनिंग टाइम था इस मूवी का वन ट्वेंटी वन मिनट्स और बजट की बात की जाए एंड बॉक्स ऑफ कलेक्शन की बात की जाए तो डीप इम्पैक्ट मूवी का बजट एट्टी मिलियन डॉलर का रहा था एंड इस मूवी का बॉक्स ऑफ कलेक्शन थ्री हंड्रेड फोर्टी नाइन पॉइंट फाइव मिलियन डॉलर का रहा था उसके आगे बात की जाए एक्ट्रेस की कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर निभाया है इस मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल में रॉबर्ट ड्यूबल ने कैप्टन स्पूर जियोन का कैरेक्टर निभाया है टिया लियोनी ने जैनी लर्नर का कैरेक्टर निभाया है एलिजा वुड ने लियो बैडरमैन का कैरेक्टर निभाया है वैनेसा रेडग्रेव ने रॉबिन लर्नर का कैरेक्टर निभाया है मैक्सी सचल ने जैसवन लर्नर का कैरेक्टर निभाया है रया किहल ने चलॉय लर्नर का कैरेक्टर निभाया है मॉर्गन फ्रीमैन ने टॉम बैक का कैरेक्टर निभाया है इस मूवी में उसके आगे जॉनर की बात की जाए तो डीम पे पैक्ट मूवी एक साइंस फिक्शन डाइजेस्टर मूवी है, है। काफ़ी पसंद आपको इस मूवी की स्टोरी आने वाली है क्योंकि काफ़ी डिफरेंट स्टोरी है एंड मिमी लैडर ने काफ़ी अच्छे तरीके से इस मूवी को डायरेक्ट भी किया है पूरे ही एक्ट्रेस का आपको कमाल का काम इस मूवी में देखने को मिल जाएगा कमाल की एक्टिंग आप इस मूवी में देख सकते हो साथ ही के साथ कमाल की सैनमेटोग्राफी के साथ कमाल की एडिटिंग भी आपको डीप इम्पैक्ट मूवी में देखने को मिल जाएगी पूरी ही टीम ने बहुत ही बढ़िया तरीके से इस मूवी को बनाया है सो आप भी ज़रूर से इस मूवी को देख सकते हो एंड इसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन से ही आपको पता चल गया होगा कि कितना बड़ा हिट मूवी था साल 1998 में काफ़ी ज़्यादा अर्निंग इस मूवी ने किया था एंड काफ़ी बड़ी मूवीज़ में इसका नाम आता था आईएमडीबी की बात कर लेते हैं तो आईएमडीबी पर भी डीप इम्पैक्ट मूवी को काफ़ी अच्छा रेटिंग एंड रिव्यूज़ मिला हुआ है सिक्स आउट ऑफ टेन की रेटिंग इस मूवी को आई पर मिली है एंड इस मूवी को वन लैक एटी टू थाउजेंड लोगों ने वोट्स भी किया हुआ है जो कि मोस्टली आपको पॉजिटिव रिव्यूज़ ही देखने को मिल जाएंगे सो जरूर से आप भी डीप इम्पैक्ट मूवी को देख सकते हो बात कर लेते हैं कि कहाँ पर आपको यह मूवी देखने को मिलेगी इस मूवी को अगर आप देखना पसंद करते हो तो यह मूवी आप नेटफ्लिक्स सिक्योरिटी प्लेटफॉर्म पर देख सकते हो साथ ही के साथ Amazon प्राइम वीडियो पर भी आपको डीप इम्पैक्ट मूवी देखने को मिल जाती है सो तो जरूर से आप देख सकते हो एच वी ओ मैक्स पर भी देख सकते हो आज का मूवी रिव्यू अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर देना तो फिल्मी रिव्यू की एक और नई वीडियो पर आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डीप इम्पैक्ट मूवी के बारे में यह मूवी साल नाइनटीन नाइनटी एट में रिलीज़ हुई थी आज भी काफ़ी ज़्यादा लोग डीप इम्पैक्ट मूवी को देखना पसंद करते हैं सो अगर आप भी डीप इम्पैक्ट मूवी को देखना पसंद करते हो तो आज की इस वीडियो को एक बार लाइक तो ज़रूर से कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना सो आज के इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि डीप इम्पैक्ट मूवी आप कहाँ पर देख सकते हो साथ ही मैं आपको बताने वाले हैं इस मूवी की टीम के बारे में कि कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है कौन से डायरेक्टर ने इस मूवी को डायरेक्ट किया है कौन से एक्टर आपको डीप इम्पैक्ट मूवी में देखने को मिल जाते हैं कितने बजट में इस मूवी को बनाया गया था एंड कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने किया था सो फुल डिटेल में आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना अगर आप भी डीप इम्पैक्ट मूवी को देखना पसंद करते हो साथ ही में बात करेंगे कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर निभाया है इस मूवी में एंड आपको डीप इम्पैक्ट मूवी देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए क्या कुछ खास आपको इस मूवी में देखने को मिल जाता है फुल डिटेल में रिव्यू आपको मिल जाएगा सबसे पहले इस मूवी के डायरेक्टर की बात की जाए तो डीप इम्पैक्ट मूवी को डायरेक्ट किया है मिमी लैडर ने मेमी लैडर जो कि जाने पहचाने अमेरिकन एंड टेलीविजन फिल्म डायरेक्टर हैं एंड राइटर की बात की जाए तो डीप इम्पैक्ट मूवी को लिखा है ब्रूस जोल रूबिन ने माइकल टॉलकिन ने एंड प्रोड्यूस किया है इस मूवी को डेविड ब्राउन ने रिचार्ड डी जैनुक ने एंड एक्ट्रेस की बात की जाए तो डीप इम्पैक्ट मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल में रॉबर्ट डूबल देखने को मिल जाते हैं उसके आगे टी लियोनी देखने को मिल जाते हैं एलिजा वुड देखने को मिल जाते हैं रॉडर ग्रेव देखने को मिल जाते हैं मैक्सी मिलियन देखने को मिल जाते हैं मॉर्गन फ्रीमैन भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाते हैं सनमाइटोग्राफी की बात की जाए तो डीप इंपैक्ट मूवी में सनमाइटोग्राफी की है डाइट्रीच लोहमन ने एंड एडिट किया है इस मूवी को पॉल चिको चिकोकी ने डेविड रोशन ब्लूम ने एंड म्यूजिक किया है इस मूवी का जेम्स हॉर्नर ने प्रोडक्शन कंपनीज हैं डीप इम्पैक्ट मूवी के पैरामाउंट पिक्चर्स ड्रीम वर्कस पिक्चर्स द मनहाटन प्रोजेक्ट जैनक ब्राउन प्रोडक्शंस और डिस्ट्रीब्यूट किया है डीप इम्पैक्ट मूवी को पैरामाउंट पिक्चर्स ने ड्रीम वर्कस पिक्चर्स ने और इस मूवी का रिलीजिंग डेट एट मई नाइनटीन था और रनिंग टाइम था इस मूवी का वन ट्वेंटी वन मिनट्स और बजट की बात की जाए एंड बॉक्स ऑफ कलेक्शन की बात की जाए तो डीप इम्पैक्ट मूवी का बजट एटी मिलियन डॉलर का रहा था एंड इस मूवी का बॉक्स ऑफ कलेक्शन थ्री हंड्रेड फोर्टी नाइन पॉइंट फाइव मिलियन डॉलर का रहा था उसके आगे बात की जाए एक्ट्रेस की कि कौन से एक्टर ने किसका कैरेक्टर निभाया है इस मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल में रॉबर्ट ड्यूवल ने कैप्टन स्पूरजियोन का कैरेक्टर निभाया है टिया लियोनी ने जैनी लर्नर का कैरेक्टर निभाया है एलिजा वुड ने लियो बैडरमैन का कैरेक्टर निभाया है वेनेसा रेडग्रेव ने रॉबिन लर्नर का कैरेक्टर निभाया है मैक्सिमिलियन मिलियन सचैल ने जैसोन लर्नर का कैरेक्टर निभाया है रया किल ने चलॉय लर्नर का कैरेक्टर निभाया है मॉर्गन फ्रीमैन ने टॉम बैक का कैरेक्टर निभाया है इस मूवी में उसके आगे जॉनर की बात की जाए तो डीम एफ मूवी एक साइंस फिक्शन एंड डाइजास्टर मूवी है, है। काफ़ी पसंद आपको इस मूवी की स्टोरी आने वाली है क्योंकि काफ़ी डिफरेंट स्टोरी है एंड मिमी लैडर ने काफ़ी अच्छे तरीके से इस मूवी को डायरेक्ट भी किया है पूरे ही एक्ट्रेस का आपको कमाल का काम इस मूवी में देखने को मिल जाएगा कमाल की एक्टिंग आप इस मूवी में देख सकते हो साथ ही के साथ कमाल की सैमैटोग्राफी के साथ कमाल की एडिटिंग भी आपको डीप इम्पैक्ट मूवी में देखने को मिल जाएगी पूरी ही टीम ने बहुत ही बढ़िया तरीके से इस मूवी को बनाया है सो आप भी ज़रूर से इस मूवी को देख सकते हो एंड इसके बॉक्स ऑफ कलेक्शन से ही आपको पता चल गया होगा कि कितना बड़ा हिट मूवी था साल 1998 में काफ़ी ज़्यादा अर्निंग इस मूवी ने किया था एंड काफ़ी बड़ी मूवीज़ में इसका नाम आता था आई की बात कर लेते हैं तो आई पर भी डीप इम्पैक्ट मूवी को काफ़ी अच्छा रेटिंग एंड रिव्यूज़ मिला हुआ है सिक्स आउट ऑफ टेन की रेटिंग इस मूवी को आई पर मिली है एंड इस मूवी को वन लैक टू थाउजेंड लोगों ने वोट्स भी किया हुआ है जो कि मोस्टली आपको पॉजिटिव रिव्यूज़ ही देखने को मिल जाएंगे सो जरूर से आप भी डीप इम्पैक्ट मूवी को देख सकते हो बात कर लेते हैं कि कहाँ पर आपको यह मूवी देखने को मिलेगी इस मूवी को अगर आप देखना पसंद करते हो तो यह मूवी आप नेटफ्लिक्स सिक्योरिटी प्लेटफॉर्म पर देख सकते हो साथ ही के साथ एमेज़ॉन प्राइम वीडियो पर भी आपको डीप इम्पैक्ट मूवी देखने को मिल जाती है सो तो जरूर से आप देख सकते हो एच वी ओ मैक्स पर भी देख सकते हो आज का मूवी रिव्यू अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना तो फिल्मी रिव्यू की एक और नई वीडियो पर आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डीप इम्पैक्ट मूवी के बारे में यह मूवी साल 1998 में रिलीज़ हुई थी आज भी काफ़ी ज़्यादा लोग डीप इम्पैक्ट मूवी को देखना पसंद करते हैं सो अगर आप भी डीप इम्पैक्ट मूवी को देखना पसंद करते हो तो आज की इस वीडियो को एक बार लाइक तो ज़रूर से कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना सो so, आज के इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि डीप इम्पैक्ट मूवी आप कहां पर देख सकते हो साथ ही मैं आपको बताने वाले हैं इस मूवी की टीम के बारे में कि कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है कौन से डायरेक्टर ने इस मूवी को डायरेक्ट किया है कौन से एक्टर आपको डीप इम्पैक्ट मूवी में देखने को मिल जाते हैं कितने बजट में इस मूवी को बनाया गया था एंड कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने किया था सो फुल डिटेल में आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना अगर आप भी डीप इम्पैक्ट मूवी को देखना पसंद करते हो साथ ही में बात करेंगे कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर निभाया है इस मूवी में एंड आपको डीप इम्पैक्ट मूवी देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए क्या कुछ खास आपको इस मूवी में देखने को मिल जाता है फुल डिटेल में रिव्यू आपको मिल जाएगा सबसे पहले इस मूवी के डायरेक्टर की बात की जाए तो डीप इम्पैक्ट मूवी को डायरेक्ट किया है मेमी लैडर ने मेमी लैडर जो कि जाने पहचाने अमेरिकन एंड टेलीविज़न फिल्म डायरेक्टर हैं एंड राइटर की बात की जाए तो डीप इम्पैक्ट मूवी को लिखा है ब्रूस जोल रूबिन ने माइकल टॉलकिन ने एंड प्रोड्यूस किया है इस मूवी को डेविड ब्राउन ने रिचार्ड डी जैनुक ने एंड एक्ट्रेस की बात की जाए तो डीप इम्पैक्ट मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल में रॉबर्ट डूबल देखने को मिल जाते हैं उसके आगे टी लियोनी देखने को मिल जाते हैं एलिजा वुड देखने को मिल जाते हैं रॉडर ग्रेव देखने को मिल जाते हैं मैक्सी मिलियन सज्जल देखने को मिल जाते हैं मॉर्गन फ्रीमैन भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाते हैं सनमाइटोग्राफी की बात की जाए तो डीप इम्पैक्ट मूवी में सनमैटोग्राफी की है डाइट्रीच लोहमन जिको, ने एंड एडिट किया है इस मूवी को पॉल चिको चिकोकी ने डेविड रोशन ब्लूम ने एंड म्यूजिक किया है इस मूवी का जेम्स हॉर्नर ने प्रोडक्शन कंपनी डीप इम्पैक्ट मूवी के पैरामाउंट पिक्चर्स ड्रीम वर्कस पिक्चर्स द मनहाटन प्रोजेक्ट जैनिक ब्राउन प्रोडक्शंस और डिस्ट्रीब्यूट किया है डीप इम्पैक्ट मूवी को पैरामाउंट पिक्चर्स ने ड्रीम वर्कस पिक्चर्स ने और इस मूवी का रिलीजिंग डेट एट मई नाइनटीन नाइन्टी एट था और रनिंग टाइम था इस मूवी का वन ट्वेंटी वन मिनट्स और बजट की बात की जाए एंड बॉक्स ऑफ कलेक्शन की बात की जाए तो डीप एम्पैक्ट मूवी का बजट एटी मिलियन डॉलर का रहा था एंड इस मूवी का बॉक्स ऑफ कलेक्शन थ्री हंड्रेड फोर्टी नाइन पॉइंट फाइव मिलियन डॉलर का रहा था उसके आगे बात की जाए एक्ट्रेस की कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर निभाया है इस मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल में रॉबर्ट ड्यूवल ने कैप्टन स्पूर जियोन का करैक्टर निभाया है टिया लियोनी ने जैनी लर्नर का करैक्टर निभाया है वुड ने लियो बैडरमैन का करैक्टर निभाया है बेनेसा रेडग्रेव ने रॉबिन लर्नर का कैरेक्टर निभाया है मैक्सिमिलियन मिलियन सचैल ने जैसोन लर्नर का कैरेक्टर निभाया है रया किलस्टेडन ने चलॉय लर्नर का कैरेक्टर निभाया है मॉर्गन फ्रीमैन ने टॉम बैक का कैरेक्टर निभाया है इस मूवी में उसके आगे जॉनर की बात की जाए तो डीम पे पैक्ट मूवी एक साइंस ऑफ फिक्शन एंड डाइजेस्टर मूवी है, है। काफ़ी पसंद आपको इस मूवी की स्टोरी आने वाली है क्योंकि काफ़ी डिफरेंट स्टोरी है एंड मिमी लैडर ने काफ़ी अच्छे तरीके से इस मूवी को डायरेक्ट भी किया है पूरे ही एक्ट्रेस का आपको कमाल का काम इस मूवी में देखने को मिल जाएगा कमाल की एक्टिंग आप इस मूवी में देख सकते हो साथ ही के साथ कमाल की सनेमाइटोग्राफ़ी के साथ कमाल की एडिटिंग भी आपको डीप इम्पैक्ट मूवी में देखने को मिल जाएगी पूरी ही टीम ने बहुत ही बढ़िया तरीके से इस मूवी को बनाया है सो आप भी ज़रूर से इस मूवी को देख सकते हो एंड इसके बॉक्स ऑफ कलेक्शन से ही आपको पता चल गया होगा कि कितना बड़ा हिट मूवी था साल 1998 में काफ़ी ज़्यादा अर्निंग इस मूवी ने किया था एंड काफ़ी बड़ी मूवीज़ में इसका नाम आता था आईएमडीवी की बात कर लेते हैं तो आईएमडीवी पर भी डीप इम्पैक्ट मूवी को काफ़ी अच्छा रेटिंग एंड रिव्यूज़ मिला हुआ है सिक्स आउट ऑफ टेन की रेटिंग इस मूवी को आई पर मिली है एंड इस मूवी को वन लैक एटी टू थाउजेंड लोगों ने वोट्स भी किया हुआ है जो कि मोस्टली आपको पॉजिटिव रिव्यूज़ ही देखने को मिल जाएंगे सो जरूर से आप भी डीप इम्पैक्ट मूवी को देख सकते हो बात कर लेते हैं कि कहाँ पर आपको यह मूवी देखने को मिलेगी इस मूवी को अगर आप देखना पसंद करते हो तो यह मूवी आप नेटफ्लिक्स सिक्योरिटी प्लेटफॉर्म पर देख सकते हो साथ ही के साथ अमेजोन प्राइम वीडियो पर भी आपको डीप इम्पैक्ट मूवी देखने को मिल जाती है सो तो जरूर से आप देख सकते हो एच वी ओ मैक्स पर भी देख सकते हो आज का मूवी रिव्यू अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर देना तो फिल्मी रिव्यू की एक और नई वीडियो पर आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डीप इम्पैक्ट मूवी के बारे में यह मूवी साल 1998 में रिलीज़ हुई थी आज भी काफ़ी ज़्यादा लोग डीप इम्पैक्ट मूवी को देखना पसंद करते हैं सो so अगर आप भी डीप इम्पैक्ट मूवी को देखना पसंद करते हो तो आज की इस वीडियो को एक बार लाइक तो ज़रूर से कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना सो so आज की इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि डीप इम्पैक्ट मूवी आप कहाँ पर देख सकते हो साथ ही मैं आपको बताने वाले हैं इस मूवी की टीम के बारे में कि कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है कौन से डायरेक्टर ने इस मूवी को डायरेक्ट किया है कौन से एक्टर आपको डीप इम्पैक्ट मूवी में देखने को मिल जाते हैं कितने बजट में इस मूवी को बनाया गया था एंड कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने किया था सो फुल डिटेल में आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना अगर आप भी डीप इम्पैक्ट मूवी को देखना पसंद करते हो साथ ही में बात करेंगे कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर निभाया है इस मूवी में एंड आपको डीप इम्पैक्ट मूवी देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए क्या कुछ ख़ास आपको इस मूवी में देखने को मिल जाता है फुल डिटेल में रिव्यू आपको मिल जाएगा सबसे पहले इस मूवी के डायरेक्टर की बात की जाए तो डीप इम्पैक्ट मूवी को डायरेक्ट किया है मेमी लैडर ने मेमी लैडर जो कि जाने पहचाने अमेरिकन एंड टेलीविज़न फिल्म डायरेक्टर हैं एंड राइटर की बात की जाए तो डीप इम्पैक्ट मूवी को लिखा है ब्रूस जोल रूबिन ने माइकल टॉलकिन ने एंड प्रोड्यूस किया है इस मूवी को डेविड ब्राउन ने रिचार्ड डी जैनुक ने एंड एक्ट्रेस की बात की जाए तो डीप इम्पैक्ट मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल में रॉबर्ट डूबल देखने को मिल जाते हैं उसके आगे टी लियोनी देखने को मिल जाते हैं एलिजा वुड देखने को मिल जाते हैं रॉडर ग्रेव देखने को मिल जाते हैं मैक्सिमिलियन सजल सज्जल देखने को मिल जाते हैं मॉर्गन फ्रीमैन भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाते हैं सनमाइटोग्राफी की बात की जाए तो डीप इम्पैक्ट मूवी में सनमाइटोग्राफी की है डायट्री लोहमन ने एंड एडिट किया है इस मूवी को पॉल चिको चिकोकी ने डेविड रोशन ब्लूम ने एंड म्यूजिक किया है इस मूवी का जेम्स हॉर्नर ने प्रोडक्शन कंपनीज एंड डीप इम्पैक्ट मूवी के पैरामाउंट पिक्चर्स ड्रीम वर्कस पिक्चर्स द मनहाटन प्रोजेक्ट जेनक ब्राउन प्रोडक्शंस और डिस्ट्रीब्यूट किया है डीप इम्पैक्ट मूवी को पैरामाउंट पिक्चर्स ने ड्रीम वर्कस पिक्चर्स ने और इस मूवी का रिलीजिंग डेट एट मई नाइनटीन नाइन्टी एट था, था और रनिंग टाइम था इस मूवी का वन ट्वेंटी वन मिनट्स और बजट की बात की जाए एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात की जाए तो डीप इम्पैक्ट मूवी का बजट एटी मिलियन डॉलर का रहा था एंड इस मूवी का बॉक्स ऑफ कलेक्शन थ्री हंड्रेड फोर्टी नाइन पॉइंट फाइव मिलियन डॉलर का रहा था उसके आगे बात की जाए एक्ट्रेस की कि कौन से एक्टर ने किसका कैरेक्टर निभाया है इस मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल में रॉबर्ट ड्यूवल ने कैप्टन स्पुरजियोन का कैरेक्टर निभाया है टिया लियोनी ने जैनी लर्नर का कैरेक्टर निभाया है एलिजा वुड ने लियो बैडरमैन का कैरेक्टर निभाया है बैनेसा रेडग्रेव ने रॉबिन लर्नर का कैरेक्टर निभाया है मैक्सी सचल ने जैसवन लर्नर का कैरेक्टर निभाया है रया किहल ने चलॉय लर्नर का कैरेक्टर निभाया है मॉर्गन फ्रीमैन ने टॉम बैक का कैरेक्टर निभाया है इस मूवी में उसके आगे जॉनर की बात की जाए तो डीम पे पैक्ट मूवी एक साइंस फिक्शन डाइजेस्टर मूवी है काफ़ी पसंद आपको इस मूवी की स्टोरी आने वाली है क्योंकि काफ़ी डिफरेंट स्टोरी है एंड मिमी लैडर ने काफ़ी अच्छे तरीके से इस मूवी को डायरेक्ट भी किया है पूरे ही एक्ट्रेस का आपको कमाल का काम इस मूवी में देखने को मिल जाएगा कमाल की एक्टिंग आप इस मूवी में देख सकते हो ही के साथ कमाल की सैनमेटोग्राफी के साथ कमाल की एडिटिंग भी आपको डीप इम्पैक्ट मूवी में देखने को मिल जाएगी पूरी ही टीम ने बहुत ही बढ़िया तरीके से इस मूवी को बनाया है सो आप भी जरूर से इस मूवी को देख सकते हो एंड इसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन से ही आपको पता चल गया होगा कि कितना बड़ा हिट मूवी था साल 1998 में काफ़ी ज़्यादा अर्निंग इस मूवी ने किया था एंड काफ़ी बड़ी मूवीज़ में इसका नाम आता था आईएमडीवी की बात कर लेते हैं तो आईएमडीवी पर भी डीप इम्पैक्ट मूवी को काफ़ी अच्छा रेटिंग एंड रिव्यूज़ मिला हुआ है सिक्स आउट ऑफ टेन की रेटिंग इस मूवी को आई पर मिली है एंड इस मूवी को वन लैक एटी टू थाउजेंड लोगों ने वोट्स भी किया हुआ है जो कि मोस्टली आपको पॉजिटिव रिव्यूज़ ही देखने को मिल जाएंगे सो जरूर से आप भी डीप इम्पैक्ट मूवी को देख सकते हो बात कर लेते हैं कि कहाँ पर आपको यह मूवी देखने को मिलेगी इस मूवी को अगर आप देखना पसंद करते हो तो यह मूवी आप नेटफ्लिक्स सिक्योरिटी प्लेटफॉर्म पर देख सकते हो साथ ही के साथ अमेजोन प्राइम वीडियो पर भी आपको डीप इम्पैक्ट मूवी देखने को मिल जाती है सो तो जरूर से आप देख सकते हो एच वी ओ मैक्स पर भी देख सकते हो आज का मूवी रिव्यू अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना